बिस्मिल जनाब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे सेशन का आगाज करते हैं जी हमारे सेशन का जो मकसद है हम लोगों ने आज अपनी कैफ वन की जो बुक है इसका चैप्टर नंबर टू पढ़ना है और चैप्टर नंबर टू जो है इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग के वो कौन कौन से बेसिक लॉज हैं रूल्स हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या जिन चीजों को सामने रखते हैं हम जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का इनको प्रेजेंट करने का पर्पस क्या होता है ये वाली सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं वन बाय वन जनाब इसको शुरू करते हैं जब भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बनाते हैं पाकिस्तान में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं आप किसी भी कंपनी की किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें तो हमें उसमें स्टेटमेंट ऑफ कम्पलाइंस के नाम से एक स्टेटमेंट नज़र आती है ठीक है जी ये जो स्टेटमेंट ऑफ कम्पलायंस है इट सेज कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कौन कौन से रूल्स को कंप्लाई करते हुए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं ठीक है जी और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन करवाए हैं पाकिस्तान के बिजनेस कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने ये बताया है कि जनाब जब भी कभी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करेगी किसी भी कंपनी की तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया करेंगे जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कहते हैं ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है ये डिक्लेयर करेगी ये बताएगी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं ये कैसे प्रिपेयर की गई हैं और इन्होंने ये भी गाइड किया कि पाकिस्तान के अंदर जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो इन तीन चीजों को फॉलो करते हुए बनाई जानी चाहिए नंबर वन अप्रूव्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आई आपको पता है आप लोगों ने चैप्टर वन में पढ़ा होगा आई एंड आई आर अप्रूव्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कि आई ए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हैं ये वो रूल्स हैं, ये वो गाइडलाइंस हैं, ये वो हैं जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त सामने रखनी चाहिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने सारी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड्स बना के दे दिए कि यार जो लोग चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी बने उनको ये वाले रूल्स फॉलो करने चाहिए हमारे मुल्क की बॉडी एस ने ये कहा जनाब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो दुनिया के लिए बनाए गए हैं ये पाकिस्तान में हम लोग भी फॉलो करेंगे और इसको हमने अब एक लॉ बना दिया है एक प्रिंसिपल बना दिया है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो आई एस एन आई हैं सारे नहीं सिर्फ वो जो अप्रूव्ड है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अप्रूव्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं आई ए एस सिक्सटीन हम लोगों ने अपने कैफ वन में पढ़ा है आई ए एस टू पढ़ा है अभी ये जो बेसिक चीजें हैं ये आई ए एस वन में है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं इसके बाद जब आप कैफ फाइव में जाएंगे कैफ सेवन में जाएंगे तो आपको और बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे ये सारे के सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो हैं जो अप्रूव है कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में अप्रूव अभी तक नहीं हुए हैं ये चीज ये बात आपके सिलेबस में शामिल नहीं है इसलिए मैं कहीं पे लिखूंगा नहीं और इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा आ, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशनरी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है ये फॉलो नहीं किया जाता इट इज नॉट अप्रूव्ड सिमिलरली फाइनेंशियल ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इंशाल्लाह आप आगे कैप सेवन में जाके पढ़ेंगे ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अप्रूव्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर बाकी इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान में अप्रूव कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में ये फॉलो किए जाते हैं अगर ये रेलिवेंट है तो नंबर वन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नंबर टू आर इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई इसी तरीके से जैसे आई है इसी तरीके से इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और इसमें अक्सर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान यानी आई कैप ने यानी कि हमारी बॉडी ने ये काम करना शुरू किया है आई कैप ने ये काम करना शुरू किया है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स देने शुरू किए हैं तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि पूरी दुनिया में आई कैप इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने इस्लामिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करवाए हैं जो इस्लामिक सीरिया काउंसिल से अप्रूव्ड है अब ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको साथ में दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो तो आ, ये इस्लामिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेंटर जो आईके एफ ने नोटिफाई किए हैं ये हमारे पास मौजूद है और ये दोनों चीजें जो है ना नोटिफाइड हैं कंपनीज एक्ट के अंदर और तीसरी चीज है द प्रोविजंस ऑफ एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय द एक्ट ये एक्ट कौन सा है ये कंपनीज एक्ट है जो आप बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ते हैं कंपनीज का पोर्शन में तो पाकिस्तान में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो इन तीनों चीजों को सामने रख के बनेंगी नंबर वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नंबर टू इंटरनेशनल सॉरी इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नंबर थ्री द एक्ट इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए आपने अपने uh, मुल्क के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है आपके लिए जो याद करने वाली बात है वो सिर्फ ये है अच्छा अब इनमें सबसे ज्यादा अथॉरिटी किस चीज को है इनमें सबसे ज्यादा अथॉरिटी हाईएस्ट अथॉरिटी हमेशा किसी भी मुल्क में हाईएस्ट अथॉरिटी उस मुलक के अपने लॉ को दी जाती है ठीक है जी लॉ को दी जाती है तो सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो इन तीनों में से एक्ट की है उसके बाद आई एफ आर एस और आई एफ ए एस है ठीक है जी अच्छा अगर कभी इन दोनों की रिक्वायरमेंट में डिफरेंस होगा तो ये एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया जाएगा राइट ठीक है जनाब सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए बनती हैं एक्चुअली में और ये वाले रूल्स मैंने आपको बता दिए ये आपके सामने आ गए दूसरी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डिस्कलेमर दिया जाता है एक अप्रूवल एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस दी जाती है कि जनाब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये फला फला चीज़ों के ऊपर बनी हैं तो आप लोगों की गाइडेंस uh, के लिए आप लोगों ने आजकल मशहूरी देखी होगी अमरेली स्टील्स की एक मशहूरी आती है ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि स्टील बेचता है स्टील की प्रोडक्ट्स बेचता है इनकी अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये स्क्रीन शॉट है जो इस वक्त आप लोगों के सामने है उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कैसे दी है ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऐसे ही होती है इसमें कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है इसमें कोई भी चेंजेस जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से वो मानते नहीं है वो कहते हैं नहीं जनाब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए और ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आप लोगों के सामने है इसको पढ़ते है उन्होंने कहा the statements have been prepared in accordance with the accounting and reporting standard as applicable in pakistan. the accounting and reporting standards applicable in pakistan comprises of international financial reporting standards issued by the international accounting standard board as notified under the companies act 2017, number 1, dusra islamic financial accounting standards issued by the institute of chartered accountants of pakistan and are notified under the act. dusra is provisions of and directives issued by the act. ये तीनों चीजें एज इट इज हू बु उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ, नकल करनी पड़ती है और इनको फॉलो करना पड़ता है वेयर द प्रोविजन ऑफ एंड डायरेक्टिव इशूड अंडर द एक्ट डिफर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफ द एंड इशूड अंडर द एक्ट हैव दिन फॉलोड ये दूसरी बात है कि जनाब अगर इन दोनों प्रोविजन में कोई डिफरेंस होगा तो एक्ट की प्रोविजन जो है उनको फॉलो किया जाएगा सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इन पाकिस्तान पाकिस्तान में एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है आगे चल के आपको ये रूल्स जो है ना ये काफी फायदा देंगे हम लोग आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का मकसद क्या होता है अब आपने जहां पे भी पढ़ा होगा तो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है मैं शुरू में बिल्कुल बताता होता हूं कि देखे हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें किनको प्रजेंट करें क्यों प्रेजेंट करें इन दोनों तीनों चीजों का जवाब आज हम देखेंगे द द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक बिजनेस से रिलेटेड प्रोवाइड करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट भी हो सकती है जैसे कितनी इनकम हुई कितनी कितना लॉस हुआ ठीक है जी कितना हम लोगों ने एसेट्स परचेस किए कितने एसेट सेल्स किए और ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है हमने कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की है इन सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है लेकिन ये इंफॉर्मेशन फाइनेंस से रिलेट कर रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इन दोनों में ये बात कभी भी नहीं बताई जाएगी कि इस बिजनेस ने इस कंपनी ने इस पूरे साल में तीन दफा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था क्यों क्योंकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है ये बिल्कुल बात प्रेजेंट नहीं की जाएगी कि यहाँ पे इतनी पार्टियां हुई ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे uh, जो गेट है उसका कलर क्या है क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की जाएगी किनको प्रेजेंट की जाएगी टू इंटरेस्टेड इन द एंटिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग एंटिटी में बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं स्टेक होल्डर्स वो लोग जिनका कोई इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर स्टेक कहते हैं इंटरेस्ट को आपको जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट ना हो जैसे आपके पेरेंट्स हैं आपके घर वाले हैं उनको कोई भी टेंशन नहीं है कि अमरेली स्टील में क्या चल रहा है राइट वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स नहीं है किसी भी बिजनेस के हाँ उस इन्वेस्ट उस बिजनेस के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है अगर आप अमरेली स्टील से बिजनेस कर रहे हैं अगर आप अमरेली स्टील से, से सेल्स करते हैं परचेज करते हैं या आप उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस अगर आपने अमरीली स्टील को कोई लोन दिया हुआ है इफ़ यू आर ए बैंक देन यू विल बी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इस बिजनेस में क्या चल रहा है ठीक है जी तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस एंटिटी के अंदर स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स से मुराद वो स्टेक होल्डर्स जो के बिजनेस के अंदर बैठे हुए हैं बिजनेस के इम्प्लॉज बिजनेस के Uh, जो आप कह लें कि जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसके जो मैनेजर्स हैं वो बिजनेस के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता है कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है और वो इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस के अंदर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एम्प्लॉइज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट में रहे क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिट से आउट हो गया तो उनको पता है कि उनको की जो जॉब्स uh, है उनको खतरा आ सकता है सिमिलरली किसी भी बिजनेस के अंदर Uh, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार ये बिजनेस जो है ना ये क्या uh, करेगा उनको बताना होता है हमने इंटरनल इसके बाद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स में आपके पास आता है जनाब आपके डाटर्स क्रेडिटर्स वो लोग जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है जिन्होंने आपसे लोन लिया हुआ है जो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, ये आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं ठीक है जी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अलावा आपके पास गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होती है क्योंकि उसने आपसे टैक्स uh, लेना होता है ठीक है इसी तरीके से जो आपके शेयर होल्डर्स जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है जिसे हम इन्वेस्टर भी कहते हैं ये भी आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वो लोग जिनका बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस ले सकें फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो इंटरनल स्टेक होल्डर है वो एक बिजनेस में इंप्लॉई है बड़ी अच्छी जगह पे वो मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करता करता ऊपर जाए और हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो उसको गाड़ी भी मिले उसका अच्छा ऑफिस हो उसको घर भी मिले उसका लाइफ बेहतर हो कैसे बेहतर होगा मेहनत करने से बेहतर होगा जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशंस हासिल करते जाएंगे लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि जनाब ये बिजनेस जो है ये तो डूब जाएगा इस बिजनेस में इतनी सेल्स नहीं है इस बिजनेस का इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं इस बिजनेस में से शिफ्ट करने का सोचूंगा तो इंटरनल स्टेक होल्डर डिसीजन लेगा इस बिजनेस में रहने का या इस बिजनेस से शिफ्ट करने का सेलर बिजनेस के बारे में क्या डिसीजन लेगा अगर वो देखेगा कि बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो इस बिजनेस को उधार पे चीजें देना बंद कर देगा अदरवाइज उसके बैड डेट्स हो जाएंगे आपका जो बायर है वो आपके बिजनेस को देख के ये सोचेगा कि यार ये बंदा तो इसका तो बिजनेस डूबता जा रहा है मुझे कोई और बंदा हासिल कर ढूंढना चाहिए जो कि मुझे यही वाली चीज सप्लाई करे ताकि ये ना हो कि कल को ये बिजनेस जब डूब जाए तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मुझे मुझे तो कोई और बंदा मिल ही नहीं रहा तो इसकी वजह से मेरा बिजनेस भी डूब जाए क्योंकि तो ये मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा तो फिर मैं अपना बिजनेस आगे कैसे चलाऊंगा तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं बिजनेस के अंदर और वो बिजनेसेस के जो इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं उन सब को हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से हम इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं कौन कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम यूजर्स को देते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बिजनेसिस के रिसोर्स के हवाले से एंटिटी के रिसोर्सेज कितने हैं कितने उसके एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज हैं ये हम लोग बताते हैं कितने क्लेम्स हैं इसके अलावा इस बिज़नेस ने परफॉर्म कैसे किया है इसके इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं तो ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट बनाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस ये होता है कि हम वो तमाम यूजर्स ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए अब द इंटरेस्टेड पार्टीज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एग्जिस्टिंग हो सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं लैंडर्स अदर क्राइटर्स ये बात हम कर चुके हैं डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं आपके बिजनेस के बारे में बाय सेल करना या होल्ड करना बिजनेस के शेयर्स को ठीक है अगर एक एक पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर्स मार्केट में मौजूद होंगे आपने कंपनी ला में पढ़ा होगा और वो जो शेयर्स हैं उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है तो स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स जो हैं वो सेल परचेज हो रहे होते हैं लोग अच्छे बिजनेस के शेयर्स होल्ड करना चाहते हैं और बुरे बिजनेस के शेयर्स को बेच देना चाहते हैं तो ये डिसीजन जो है वो कहाँ से मिलेगा प्राइमरली सेल्स शेयर्स की सेल परचेज के वो तमाम डिसीजन जो के नजर आते हैं वो Uh, जो जो किए जाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर और उसके अलावा उसके अंदर मौजूद रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर किए जाते हैं चाय वाले चाय खाने में बैठ के एम्प्लॉज की बातें सुन के शेयर परचेज सेल और परचेस करने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे में किया गया था जिसका नाम आपको पता ठीक है ना जी अच्छा प्रोवाइडिंग और सेटलिंग लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट ये नहीं कि आपको लोन दिया जाए आपको स्टॉक सेल किया जाए कि ना किया जाए ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अच्छा एक चीज बड़ी जरूरी है जो मैंने यहाँ पर रेड बॉक्स में लिखी है वो ये है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाते हैं जनरल पब्लिक के लिए वो तमाम जनरल पब्लिक जो कि इंटरेस्टेड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकिन हमेशा ये चीज जहन में रखी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कि वो लोग जिनको अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री बुक वगैरह की अकाउंटिंग की थोड़ी सी समझ बूझो जिनको पता है कि एसेट्स क्या होते हैं जिनको पता है कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं जिनको पता है कि कैपिटल क्या होता है बिजनेस के अंदर जो सेल्स हुई है उसका क्या मतलब है इसके एक्सपेंसेस हुए हैं उसका क्या मतलब है नेट प्रॉफिट क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो है इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है छोटा कौन सा होता है क्या ये बाइस वर्षा हो सकता है कि नहीं हो सकता जिन लोगों को थोड़ी बहुत स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम को पढ़ने का थोड़ा बहुत तजर्बा है ये लोग ही बिजनेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं अगर आप किसी ले मैन को जिसको अकाउंटिंग का कुछ पता नहीं है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ाएंगे उसको समझ नहीं आएगी ठीक है एंड दिस इज ओके रूल ये कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि हम लोग उस बंदे के लिए बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको कोई रीजनेबल नॉलेज है हु हैज़ अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको पता है कि इस बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने हैं वो कितने होने चाहिए किस तरह के एसेट्स होते हैं और जिसको इंफॉर्मेशन को जो ध्यान से एक्सेस कर सकता है पढ़ सकता है अंडरस्टैंड कर सकता है राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ले मैन के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती हैं ये उस बंदे के लिए बनाई जाती हैं जिसको कुछ इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट इज कि हम लोगों ने भी ये बात कर ली है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम लोग टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं जो आई ए एस ने हमें आई एस वन ने बताई हैं तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन आई ए एस वन आपको बताता है कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें ये पांच सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो तो पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये मिल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और आई ए एस वन ने कहा आपकी बुक में उतना ज्यादा जोर से नहीं है लेकिन यह है कि आ, हम लोग थोड़ी बहुत उसके रूल्स वगैरह को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं उसने कहा कि आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे जब तक उसमें यह पांच चीजें शामिल ना हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल राइट इसमें एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल प्रेजेंट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीसिव इनकम अभी जो कम्प्रीहेंसिव इनकम का वर्ड है ना ये बड़ा जरूरी है समझना कंप्रीसिव इनकम यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीसिव इनकम के दो पार्ट होते हैं गौर से सुन लीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के दो पार्ट होते हैं पार्ट नंबर वन होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप लोग बनाते हैं जो आप लोगों को बनाई सिखाई जाती है कैफ वन में उसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं पार्ट वन है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का अगर आपको कोई कहेगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीसिव इनकम बनाएं तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं हम सेल्स लिखते हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है एक्सपेंसि माइनस करते हैं हम लोग उसमें अदर इनकम एड करते हैं टैक्स वगैरह होता है इसमें माइनस टैक्स करते हैं टैक्स आपके अभी आपने पढ़ा नहीं आपके सिलेबस में शामिल नहीं है तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है दिस इज पार्ट वन ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं इसका पार्ट टू होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है इसका जो पार्ट टू है डेट इज स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम एस ओ सी आई स्टेटमेंट ऑफ अदर कंपरीहेंसिव इनकम अदर इनकम में कुछ इनकम और एक्सपेंसि ऐसे होते हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं ठीक है ये एस ओ सी आई आप लोग कैप फाइव कैप सेवन सी फैफ वन में जा पढ़ेंगे तो आप जिससे भी पढ़ेंगे वो आपको बता देगा कि कौन कौन से इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एस ओ सी आई में लिखे जाते हैं अभी तक आपने जितने इनकम और एक्सपेंसेस पढ़े हैं उनमें से कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे नहीं है जो एस ओ सी आई में जाने चाहिए अभी जो इनकम और एक्सपेंसेस एस ओ सी आई में जाने चाहिए वो अभी आपने पढ़ने हैं इसलिए मैं आपको उसका कोई भी निशानी या कोई भी बात नहीं बताऊंगा लेकिन यह चीज़ समझ लें कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीसिव इनकम से मुराद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीसिव इनकम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होती है और इसमें कुछ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम्स एड होती हैं अदर कंप्रीहेंसिव एक्सपेंसिज माइनस होते हैं तो हमारे पास इसमें एक्सपेंसिज आते हैं हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आता है देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तीन और चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं लेकिन इन तीनों को मिला के uh, हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ आवर कंप्लीट सेट आव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने अभी तक क्या पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पढ़ी है और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर से पार्ट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ये तीन चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं इसके अलावा बाकी चीज़ें इन आप आगे चल के पढ़ेंगे तो जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या दो स्टेटमेंट जो हम लेके चलते हैं अब जरा गौर से सुनिएगा एक बात को हम लोग अब बात करने लगे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की फ्रेमवर्क कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड को ठीक है काम करने के रूल्स को जिंदगी गुजारने के असूलों को ठीक है हम लोग असूल जो होते हैं असूल कार इनको फ्रेमवर्क कहते हैं आप लोगों को याद होगा जो बच्चे पंजाब आ, से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स पढ़ी होंगी आ, पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड की बनाई हुई किताबें पढ़ी होंगी जो कि आपको छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं पंजाब टैक्सट बुक बोर्ड के बैकसाइड पर या उसके फ्रंट पे ये एक लोगो लगा होता था पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड का विच सेज अमानत दयानत सदाकत और शराफत जब हम लोग पढ़ते थे हमें तो यही लगता था ये चार भाई हैं जो मिलकर किताबें लिखते हैं अमानत दयानत सदाकत और शराफत ठीक है जी और ये जो है ये इस कंपनी के ऑनर हैं ये बिजनेस के ऑनर हैं ये किताबें बेचते हैं हम लोग उर्दू बाजार जाएंगे तो ये चारों भाई हमें एक जगह पे बैठे हुए नजर आएंगे क्यों क्योंकि ये किताबें जो है ना ये बेचते हैं लेकिन ऐसा नहीं था ये वो असूलकार हैं ये वो रूल्स ऑफ प्रिंसिपल हैं जिनकी बेसिस के ऊपर किताबें बनाई जाती हैं ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है किताबें बनाने का हमें जितनी भी किताबें हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं उनमें हमें अमानत का दर्श दिया जाता है हम अमानत का असूल फॉलो करते हैं सदाकत का सच्चाई का असूल फॉलो करते हैं हमें सच्चा रहना सिखाया जाता है हमें सदीक बनना सिखाया जाता है ठीक है जी शराफत हमें शरीफ बनना सिखाया जाता है वैसे मेरा ख्याल है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सबसे ज्यादा जो आ, नाकाम हुआ है वो इस शराफत वाले असूलकार पे हुआ है कि लोग शरीफ नहीं हुए बाकी शायद उन्होंने कोशिश की तो वो कामयाब भी हो गए शराफत सिखाई जाती है दयानत यानी कि ईमानदारी असूलदारी सिखाई जाती है सच्चाई सिखाई जाती है त्रुटफुलनेस सिखाई जाती है तो जनाब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो असूलकार जिनकी बेसिस के ऊपर आप कुछ काम करते हैं जैसे आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे राइट साइड पे कोर वैल्यूज नजर आ रही हैं दीज आर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस ये वही जो अमरीली स्टील्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये उसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है विच सेज़ कि इनकी जो सबसे बड़ी कोर वैल्यू है वो है रिस्पेक्ट कि हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे रिजिलियंस है हम लोग कभी भी गिव अप नहीं करेंगे हम हर वक्त अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे हम लोग बुरा सिचुएशन भी आएगी तो फिर भी अच्छा काम करेंगे इंटैग्रिटी हम सच्चाई के साथ चलेंगे डायनामिज्म हम लोग नई नई जो चीजें हैं उनको जहन में रखेंगे फ्लेक्सीबिलिटी लेके आएंगे सो ऑन एंड सो फोर तो जनाब ये जो सारी बात इस वक्त ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है दिस इज एक्चुअली सम ग्रुप ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जिनको हम लोग फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं या जिनको फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस का काम करते हैं तो ऐसे रूल्स या ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं उनको हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको जहन में रखते हुए हम लोग अपनी जिंदगी गुजारेंगे हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे ठीक है जी तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते वक्त कर वो कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिनको आप जहन में रखेंगे जी अब एक स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं साउंड स्ट्रक हो रही है तो जनाब आप ऐसे करें कि आप ना लीव करके जरा दोबारा ज्वाइन करें वो लोग जिनको अभी साउंड प्रॉब्लम आ रही है वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए ठीक है जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर दोज फ्रेमवर्क दो रूल्स दो प्रिंसिपल दो स्कोर वैल्यूज जिनकी बेसिस के ऊपर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहला रूल जो हम लोगों ने सबसे पहले दिन पढ़ा था वो ये था कि ऑनर इज सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑनर और बिजनेस अलग अलग हैं और इसी के हिसाब से हमने बात की थी कि ऑनर जब बिजनेस में पैसे लेके आएगा तो हम उसे कैपिटल कहेंगे कैपिटल क्या होता है कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स ऑनर उसने ऑनर को देना है यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ऑनर एक अलग एंटिटी है ऑनर बिजनेस में कैश लेके आएगा लेकिन वो कैश बिजनेस हमेशा अपने पास अपनी लाइबिलिटी के तौर पे रखेगा राइट right? अच्छा जी आगे चलते हैं दिस इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमने बड़ा डिस्कस किया है और अब आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कंसिस्टेंसी देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सबसे बड़ा रूल है वो है कंसिस्टेंसी और ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मजबूर करता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो रूल है उसके जो रूल uh, की जो लाइन आइटम है वो ये है यानी कि रूल की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि द कॉन्टेंट्स

इन्वेंट्री को मेथड इन्वेंट्री uh, को क्या कहते हैं उसे एवेल्यूएट करने के लिए आपने अगर फाइफा मेथड यूज कर रहे हैं तो आप फाइफा मेथड ही यूज करते जाएं आप उसको चेंज ना करें आप अगर वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज मेथड ही यूज करें उसको चेंज ना करें और उसके अलावा आप कोई भी और जो आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर है कहीं पे आप कोई चीज क्लासिफाई कर रहे हैं आप वहीं पे क्लासिफाई करते जाएं आप उसको चेंज ना करें और अगर आप कोई चेंज करेंगे तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि कुछ चीजें चेंज चीज़ की जा सकती हैं कुछ चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती और जो चीज़ें चेंज की जा सकती हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक रूल गाइड कर दिया गया है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बता दी गई है कि जब आप चेंज करेंगे तो ये ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे कि अगर आप कुछ चीजें चेंज करते हैं तो कैसे होगा यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एरिया के अंदर आपने देखा कि अगर हम लोग कोई एस्टिमेट चेंज करते हैं डेप्रिसिएशन रेट चेंज करते हैं डेप्रिसिएशन मैथड चेंज करते हैं एंड किसी भी बिजनेस की जो किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम है उसकी यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं या उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज करते हैं इन चारों चीजों में से किसी भी चीज में जब चेंज आता है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा इसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप की गाइडलाइंस हैं कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने देनी होती हैं वो हम देंगे यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करते जाए उसको कभी चेंज ना करें हाँ अगर आपने कोई चेंज करना है तो फिर आप उसको प्रॉपरिएटली चेंज करें ठीक है जी तो द प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज कैन बी चेंज ओनली इफ नेसेसरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड स्टैंडर्ड के जो वर्डिंग्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं जो ये मेथड फॉलो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है या ये जो तरीकाकार इसको फॉलो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है तो आप प्रॉपर डिस्क्लोज करने के बाद प्रॉपर वर्किंग करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन अपना जो प्रेजेंट uh, करने का तरीका है वो चेंज कर सकते हैं जिसको हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चेंज इन एस्टिट्स के टॉपिक में पढ़ा भी है तो कंसिस्टेंसी जो है ये कब ब्रीच होती है कंसिस्टेंसी इज सेड टू बी ब्रीच्ड व्हेन यू डू समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग इन द पास्ट और व्हेन यू ओमिट समथिंग दैट यू वर डूइंग इन द पास्ट आप कुछ काम कर रहे थे आपने इस साल नहीं किया आप डेप्रिसिएट कर रहे थे कुछ एसेट्स को इस साल आपने डेप्रिसिएट नहीं किया ठीक है जी वेन यू चेंज ट्रीटमेंट देन द न्यू ट्रीटमेंट इज नॉट मेड प्रॉपरली यानी कि आपने कोई चेंज करना था और आपने वो चेंज ठीक से नहीं किया फिर भी हम ये कहेंगे कि कंसिस्टेंसी को ब्रीच कर दिया है अब एग्जामिनर इसका सवाल कैसे पूछता है एग्जामिनर पूछता है बताएं कि इनमें से कौन से सीनारियोज ऐसे हैं जिनमें कंसिस्टेंसी ब्रीच हुई है या आपको सीनैरियोज बता दिए जाते हैं और बताया पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सा प्रिंसिपल कौन सा फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ब्रीच हुई है ये हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर हम पास्ट में कुछ कर रहे हैं और वो हम अब नहीं कर रहे हम पास्ट में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे अब नहीं कर रहे पास्ट में हम प्रोविजन बना रहे थे अब नहीं प्रोविजन बना रहे पास्ट में हम फाइव को यूज़ कर रहे थे अब हम वेटेड एवरेज को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने जो चेंज किया है वो ना किसी को बताया है ना उसके ऊपर कोई प्रॉपर वर्किंग की है ना हमने उसको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया सही तरीके से तो ये भी हम कहेंगे कि कंसिस्टेंसी सिस्टम ब्रीच हुआ है ठीक है जी या ये एक ऐसा चेंज है जो अप्रूव ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ से तो भी हम कहेंगे कि आपने कंसिस्टेंसी जो है ना वो खराब कर दी ठीक है मैं एक ऐसा चेंज ले आता लिया मैं कहता हूं जी मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिसिएट ही नहीं करना और मैं हर जगह पर इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देता हूं स्टैंडर्ड ने कहा था कि अगर कुछ चेंज करना हो तो ये करना ये करना ये करना, ये करना। मैंने सारा कुछ कर दिया और करके मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन रेट जो है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर आप वो जीरो है तो जनाब दिस इज नॉट अलाउड आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इफ़ यू डू नॉट चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट व्हिच इज बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर टाइम व्हिच इज एक्चुअली बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर टाइम जो यूज से या टाइम से डेप्रिसिएट हो रहा है एक्चुअली में तो फिर हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज अगर नहीं करेंगे तो दैट विल बी दैट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी के जनाब आपने एक चेंज किया है प्रॉपरली प्रेजेंट किया हर चीज कर दी आपने स्टैंडर्ड की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन रेट जीरो कर दिया लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा था डेप्रिसिएशन रेट तो जीरो ही नहीं होना चाहिए आपने दूसरी इसकी एग्जाम्पल देने लगा अच्छा इसकी एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं नंबर वन डेप्रिसिएशन रेट इक्वल टू जीरो कर देना दूसरी इसकी एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं वो ये है कि आप वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो कर रहे थे फॉर इन्वेंट्री और आपने उसको चेंज करके लाइफो वाला मेथड यूज करना शुरू कर दिया है लास्ट इन फर्स्ट आउट अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि लाइफो तो मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ये है ही नहीं अब दिस दस नॉट एग्जिस्ट एट ऑल दिस इज नॉट एन अप्रूव्ड सिस्टम लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट ये पढ़ाया नहीं जाता है ठीक है लेकिन फर्स्ट करें ये एक सिस्टम होता है जो ये कहता है कि जो चीज सबसे एंड पे आई है वो सबसे पहले सेल करें हम ठीक है जो अप्रूव्ड नहीं है लाइफो मेथड जो है वो आपने वो फॉलो करना शुरू कर दिया दिस इज अनदर थिंग लाइफो स्टैंडर्ड को पसंद नहीं है कहता है ये मुझे नहीं पता ये क्या और स्पेसिफिकली इसको कैंसिल कर दिया गया है कि आपने कभी भी लाइफो मैथड फॉलो नहीं कर रहा तो जनाब अगर आप कहते हैं कि जनाब देखे स्टैंडर्ड ने ये कहा था चेंज करते वक्त ये करना ये करना ये करना मैंने सारा कुछ कर दिया तो मुझे लाइफों में जाने दें वो कहेगा नहीं जनाब लाइफों में नहीं जाने दिया जाएगा क्यों क्योंकि ये अगेंस्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है है तो तो जनाब अगर आपसे पूछा जाए कि कंसिस्टेंसी पे ब्रीच हो रही है, तो आप देखें कि वो वो तमाम काम जो पहले आप करते आ रहे थे और अब नहीं कर रहे या पहले नहीं कर रहे थे और अब कर रहे हैं इनको हम लोग कहेंगे कि दीज आर इन ब्रीच ऑफ कंसिस्टेंसी राइट अच्छा जी कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जो कि आप लोगों के सामने अभी होंगे यानी कि हम लोग जो काम पहले करते आ रहे थे वही काम करते जाएंगे अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं डाटस प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि एसेट्स और इनकम आपकी ओवर स्टेट नहीं होनी चाहिए है प्रॉफिट जो है वो बढ़ा चढ़ा के ना बताया जाए देखें हम लोगों ने ये बात की ना कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस चीज में इंटरेस्ट होता है उनका इंटरेस्ट यहाँ पे होता है कि बिजनेस जो है ये प्रॉफिट कमा के दे रहा हो उनका इंटरेस्ट ये होता है कि इस बिजनेस के एसेट्स ज्यादा हों और इसकी लाइबिलिटीज कम हो उनका ये मकसद है देखें कोई भी बंदा उस बिजनेस में काम करना चाहेगा जो ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वालों की नज़र में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाएं तो प्रूडेंस कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे हमारे एसेट्स और इनकम ओवर स्टेटेड शो हो हमने मना कर दिया कि जो एक्सपेंस जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा करके ओवर स्टेट करके नहीं दिखानी तो फिर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ठीक है हम इनकम कम एक्सपेंसिस कम करके दिखा देते हैं हम ऐसे करते हैं कि इनकम को ठीक रहने देते हैं एक्सपेंसिस को कम करके दिखा देते हैं हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा देखे ना हम लोग क्या करते हैं हम इनकम में से एक्सपेंसिस माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आता है ना तो हम लोगों ने कहा कि इनकम को नहीं बढ़ाना अब आप सोच रहे हैं एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा तो जनाब ऐसे भी नहीं करना कि हम लोग एक्सपेंसेस को और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करके बताएं हमने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर रहना है हमने अक्लमंदी का मुजाहरा करना है हमने ऑप्टिमिस्टिक ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं सोचना हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में अगर कमी आ रही है तो हमें उनकी वैल्यू को कम करना है ये जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स आए हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो एसेट इनकम uh, है जैसे देखें हम लोगों ने बात की थी सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस की सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर आप सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं जब आप उसको भिजवाते हैं चीजें हम लोगों ने यह बात की थी सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर जब हम चीज़ें भिजवाते हैं तो हम उसकी सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन अगर वो वापस आ जाए तो फिर हम उसकी सेल्स रिटर्न जो है ना वो कर देते हैं तो जनाब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस आपने रिकॉर्ड की हुई हैं और साल खत्म हो गया ईयर एंड आ गया अभी उसका एक्सेप्टेंस पीरियड चल रहा है अभी जिस बंदे को आपने सेल्स की थी वो चीजें वापस कर सकता है हमें हम उसे वापस रख लेंगे तो अगर हमारा ये रेंड आ जाए तो ये रेंड के ऊपर हम लोग सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को रिवर्स कर देते हैं दिस इज समथिंग समेट वी डू हम लोग ये क्यों करते हैं क्यों क्योंकि हमें ये कहा गया है कि जो हमारी सेल्स हैं वो ओवर स्टेट नहीं होनी चाहिए हम जब उसको रिवर्स करते हैं तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और डाटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं जब हम डाटर्स को कम करते हैं तो हम एसेट्स को ओवर होने से बचा रहे हैं वो तमाम सेल्स जो हमारी नहीं हुई हैं अभी तक हम उनको रिवर्स कर देते हैं ये एंड के ऊपर क्यों क्योंकि हमारे एसेट्स भी ओवरस्टेट जो है वो अंडरस्टेट ना हो और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं जो हमारी इनकम्स हैं वो भी ओवरस्टेट ना हो तो एसेट्स और इनकम को ओवर नहीं करना है बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना है क्यों क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको देख के जिनको बढ़ता देख कर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश होते हैं तो लोगों को खुश करने के लिए चीज़ों को मिसरीप्रजेंट नहीं करना है सिमिलरली लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसिस जो हैं ये अंडरस्टेट नहीं होने चाहिए क्यों क्योंकि ये जितने कम होते हैं इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उतने खुश होते हैं तो उनको खुश करने के लिए हमने जो एक्सपेंसेस uh, हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनको अंडरस्टेट नहीं करना है राइट right? तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि इनकम और ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए इनकम uh, uh, और एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए अब देखें एक और एग्जाम्पल है फर्स्ट करें कि हम लोगों ने एक ट्वेल्व मंथ का रेंट का एग्रीमेंट किया है ये रेंट जो है वो हमारा है थर्टी वन दिसंबर और हमने एक अक्टूबर को बारह मंथ का रेंट एग्रीमेंट किया है और ये एक अक्टूबर दो हजार एक से लेकर यानी कि हमारे करंट ईयर से लेकर तीस सितंबर दो हजार दो तक चलेगा तो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये रेंट आ रहा है तो एंड से पहले वाला जो एक्सपेंस है दिस विल बी आवर एक्सपेंस और ईयर एंड के बाद वाला जो टाइम पीरियड है दस महीनों का डैट विल बी आवर प्री पेड एक्सपेंस तो हम लोग एक्सपेंसेस जो है इनको लिख रहे हैं और प्री पेड को भी लिख रहे हैं ना हम सारा का सारा प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखते हैं ना हम सारा का सारा एक्सपेंसेस में लिखते हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि एसेट्स और इनकम जो है ये ओवर स्टेट ना हो एंड एक्सपेंसेस जो है लाइबिलिटीजर स्टेट नहीं होने चाहिए राइट अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद आपसे मैं क्वेश्चन लूंगा मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट और जिसमें वो अकर हुए हैं इससे पीछे वाले पेज पे हम लोगों ने एक्सपेंसेस की एग्जांपल ली कि हमने एक साल का एक रेंट का एग्रीमेंट किया है तो उसका जो पोर्शन हमारे करंट ईयर में फॉल करता है सिर्फ वो वाला हम एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे रिमेनिंग हम लोग प्री पेड एक्सपेंस में ले जाएंगे राइट तो यही कॉन्सेप्ट जो है ऑफ अकाउंटिंग का है ग्रुअल बेसिस इसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं वो कहते हैं कि जनाब साल में बारह महीने होते हैं इस बारह महीनों में जितनी आपकी इनकम हुई है उतनी ही आपने रिकॉर्ड करनी है चाहे वो आपको मिली है या नहीं मिली अगर एक्स्ट्रा मिल गई है तो वो आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी अगर कम मिली है तो इनकम रिकॉर्ड करें और रिसीवेबल बुक करें। तो 12 सालों 12 महीनों में इनकम 12 महीनों की ही आएगी चाहे वो मिली है या नहीं मिली इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन पीरियड टू विच दे रिलेट और अकर राइट सिमिलरली एक्सपेंसिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट और अकर ठीक है एक्सपेंसिस केस के में भी यही रूल है इनकम के केस में भी यही रूल है कि वो जो बारह महीने आपके पास उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको कोई इनकम हुई है या कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे बाकी जो है वो आपका प्रीपेड या क्रूड एक्सपेंस या इनकम की तरफ चला जाएगा ठीक है जी नॉट इन द पीरियड इन विच दे अराइज और पेड जिस टाइम पीरियड में वो पे हुए हैं या हुए हैं आपने सीधी सीधी कैश की एंट्री नहीं ठोक देनी आपने अप्रूवल्स और प्री पेमेंट की करनी है ठीक है जी एंट्री करनी है सही है तो फर्ज करें कि आपके पास कुछ एक्सपेंस है ऐसा विच इज पेड बट नॉट अकर्ड तो इस तरह के एक्सपेंस को हम लोग कहते होते हैं जनाब प्री पेड एक्सपेंस सिमिलरली देर कैन बी एन एक्सपेंस विच इज अकर्ड यानी कि आपने सर्विसेस ले ली हैं बट नॉट पेड इस तरह के एक्सपेंस को हम अक्रूड एक्सपेंस कहते हैं इनकम के केस में अगर हम बात करें तो वो इनकम्स जो के पेड यानी कि आपको रिसीव्ड हो चुकी हैं लेकिन अभी तक आपने उस इनकम के अगेंस्ट अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं इसको हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं और वो इनकम्स जो के आपने जिसके अगेंस्ट काम कर दिया है जो हैं वो आपने दे दी हैं लेकिन वो आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं विच इज़ अकर्ड बट नॉट पेड इसको हम लोग जो सर्विसेज आप दे चुके हैं लेकिन वो अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं तो इनको हम अक्रूड इनकम कहते हैं ठीक है जी वर्ड्स को एक जैसा करने के लिए मैं यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसिस की जगह एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस कह सकता हूँ right? राइट तो एक्सपेंसिस और इनकम के लिए तो ये टेबल है वो कहता है कि अगर एक्सपेंसिस अगर हो गए हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए तो फिर और अगर एक्सपेंसेस रिसीव हो गए लेकिन इनकर अड़कर नहीं हुए तो फिर उस हिसाब से क्या क्या चीजें किस किस तरीके से नाम आते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए ठीक है जी तो जनाब इनकम और एक्सपेंसिस जो हैं वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने चाहिए जिस पीरियड में वो रिलेट करते हैं इस रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपके तीन चार चैप्टर्स बनते हैं आपकी बुक के पहला चैप्टर जो इन इस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर बनता है दैट इज अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का चैप्टर हम लोग अप्रूवल्स और प्री इसलिए बनाते हैं ताकि हम जिस साल जो इनकम रिसीव हुई है सिर्फ वही जिस साल जो इनकम अकर हुई है सिर्फ वही रिकॉर्ड करें रिसीव वाली इनकम रिकॉर्ड ना करें सिमिलरली जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाएं सिर्फ पेड के हिसाब से हम लोग एक्सपेंसेस की बात ना करें दूसरी चीज अगली बात देखते हैं अगर फर्ज करें कि आप अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स को कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि हमारा जो मैसिंग प्रिंसिपल है ये फॉलो नहीं किया गया है ठीक है इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसी क्वेश्चन के अंदर इशू नजर आए जैसे कि एग्जामिनर अक्सर सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि बताएं ये प्रॉब्लम है तो बताएं ये कौन सा प्रिंसिपल रीच किया गया है और अगर वहां पे आपको नजर आए कि प्री के रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया तो यू कैन से दैट कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया है सिमिलरली आपने देखा होगा हम लोग बैड डेट के टॉपिक के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड ही इसलिए की जाती है ताकि जिस साल का जो बैड डेट है जिस साल जो डेटर्स हमें पता चल गया है कि ये अब नहीं रिसीव होंगे उसी साल उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया जाए देखें अगर हम लोग प्रोविजन की एंट्री रिकॉर्ड करें तो हम इसकी क्या एंट्री करते होते हैं बैड बैड डेट डेट अकाउंट अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन प्रोविजन फॉर क्रेडिट इफ इज एन इंक्रीज इन तो आप अगर गौर से देखें तो बैड डेट इज एन एक्सपेंस हम लोग उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम लोग एक्सपेंसिस जिस पीरियड में वो हो रहे हैं उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करी जा रहे हैं जिस पीरियड में हमें डेटर्स के ऊपर शक होना शुरू हुआ है जिस पीरियड में हमने डाटा के ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट किया है हमने उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड कर दिया है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेसिस के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी अराइज होते हैं हम प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री इसलिए करते हैं कि हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है इसका यह मतलब है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा नजर आएगा कि ये सही फॉलो नहीं की गई या प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं की गई तो हम कहेंगे कि ये अक्रूवल बेसिस को फॉलो नहीं किया गया मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया सिमिलरली डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमें पता है कि हम जब एक एसेट परचेज करते हैं तो वो ओवर द यूजफुल लाइफ अगर उसकी यूजफुल लाइफ पंद्रह साल है तो वो पंद्रह साल तक यूज होता रहेगा यानी कि ये जो एसेट हमने बहुत महंगा परचेज किया है ये एक साल का खर्चा नहीं है ये पंद्रह सालों का खर्चा है तो हम हर साल उसके एसेट की कॉस्ट के अंदर से कुछ डेप्रिसिएशन का पंद्रहवा हिस्सा फर्ज करें कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का पंद्रवा हिस्सा हर साल हम लोग एक्सपेंस को चार्ज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट तो जिस साल का एक्सपेंस होना चाहिए था हमने डेप्रिसिएशन उस साल रिकॉर्ड की है तो डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड करने से भी हम लोग अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई uh, करते हैं हम मैसिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं प्रोडेंट्स भी तो हमें यही कहता था कि एक्सपेंसिस जो है ना वो अंडरस्टेट नहीं होने चाहिए और इनकम ओवर नहीं होनी चाहिए हम लोग इनकम को ओवर होने से बचाने के लिए हर साल एसेट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि अगर हम एसेट का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा जो इनकम है वो ओवर हो जाएगी तो समझ लीजिए कि जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये और अक्रूवल बेसिस ये एक दूसरे के साथ चलते हैं जब हम लोग अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं तो हम प्रूडेंस के ऊपर आ जाते हैं और प्रूडेंस को फॉलो करने के लिए हमें अक्रूवल बेसिस यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है तो हमने देख लिया कि हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं सिमिलरली एनआरवी की एडजस्टमेंट इन स्टॉक अगर आपके स्टॉक में लॉस आ जाए जो कि देखें स्टॉक अभी आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन उसमें कुछ डैमेज आ गया है तो हम इसकी फ्यूचर की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालते हैं <coughs> उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो जनाब ये वाली सारी चीजें इसमें से माइनस करके फिर हम लोग स्टॉक को प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर से वो लॉस जो अभी हमें फ्यूचर में होना है वो हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया क्यों रिकॉर्ड कर लिया क्यों क्योंकि इस साल वो स्टॉक जो है वो डैमेज हुआ है अगले साल डैमेज नहीं होगा वो इस साल हो चुका है हालांकि उसने अगले साल बिकना है लेकिन उससे बेच के जो लॉस आएगा वो हमने इसी साल रिकॉर्ड कर लिया तो एनआरवी एडजस्टमेंट इन स्टॉक दिस इज अनदर थिंग जो कि अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है अगर हम लोग अगर आप लोगों को कहीं ये क्वेश्चन आए कि जनाब एनआर वी एडजस्टमेंट जो है वो स्टॉक में फॉलो नहीं की गई है तो यू कैन से कि जनाब वो इसलिए फॉलो नहीं की गई है कि जनाब अगर वो फॉलो नहीं की गई है तो इसका मतलब है कि ग्रुअल बेसिस मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया है तो एनआर वी एडजस्टमेंट स्टॉक में हम इसलिए करते हैं कि हम लोग ग्रुअल या मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सके अब देखें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्रूअल या ये वाला चैप्टर इसको एंड पे पढ़ने का मकसद क्या है अगर मैं आपको बिल्कुल शुरू में ये चीज पढ़ा देता कि यार अच्छा ये क्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग पूरे साल की चार्ज करते हैं तो आपको समझ नहीं आनी थी कि डेप्रिसिएशन क्या होती है आपको एनआरवी लॉस की समझ नहीं आनी थी कि वो क्या होती है तो फिर आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को रट्टा लगा रहे होते डेट इज वाई हम लोग शुरू में ये वाला थ्योरी वाला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं अभी भी मुझे पता है कि आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की नींद आ रही होगी क्योंकि ये टॉपिक नींद वाला है मुझे खुद याद है जब मैं स्टूडेंट होता था तो जब मैं ये चीज़ क्लास में पढ़ रहा था तो उस वक्त तो मुझे ऐसी इंतहा की नींद आ रही थी कि दो तीन अम, कप चाय के पीने के बाद भी जो है ना ये समझ नहीं आई थी बात लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ जाती है बात यह है कि एन आर वी की एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो भी हम इसलिए करते हैं कि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जा सके इसके अलावा कॉस्ट एक और चीज़ है अक्रूअल बेस मैचिंग के अंदर अभी हमने पॉइंट वन पढ़ा है पॉइंट टू भी पढ़ते हैं वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ़ सेल्स के अंदर सिर्फ उन आइटम्स की उस क्वांटिटी की कॉस्ट ऑफ सेल शामिल होनी चाहिए जो सेल्स की हैं फर्स्ट करें अगर आपने अपने टोटल यूनिट्स में से सेल किए हैं दस हज़ार यूनिट्स तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी दस हज़ार यूनिट्स की होनी चाहिए और ये दस हज़ार यूनिट्स की होती है ऐसे ही फॉलो करते हैं हम क्यों क्योंकि हम लोग ओपनिंग स्टॉक पकड़ते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट की बात करें कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट की हम लोग ओपनिंग स्टॉक पकड़ते हैं उसमें परचेजिस ऐड करते हैं उसमें कैरिज इनवर्ड ऐड करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं माइनस कर देते हैं गौर से देखेगा क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देते हैं उसमें से ऐसे करते हैं ना जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की उन आइटम्स की कॉस्ट रह जाती है जो सेल हुए हैं तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल स्टेटमेंट बनाते हैं सी ओ स्टेटमेंट बनाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू करके कॉस्ट ऑफ सेल स्टेटमेंट में से माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रिंसिपल फॉलो हो जाता है कंप्लीटनेस अच्छा मजे की बात यह है कि जो थोड़े से डिफिकल्ट या थोड़े बड़े एरियाज थे वो अब हम डिस्कस कर चुके हैं एक uh, बेस या मैचिंग बिगर कॉन्सेप्ट प्रूडेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट था अब हमारे पास छोटे छोटे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटनेस दिस इज अनदर प्रिंसिपल जो कि हम लोग फॉलो करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रेलिवेंट है ठीक है और वो जो इन्फॉर्मेशन की कम्प्लीटनेस है उसके अंदर एक मटीरियालिटी का हम लोगों ने फिल्टर लगाया है ठीक है और मटीरियालिटी का फिल्टर है वो ये कहता है कि जनाब ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रजेंट करनी है कि जिसको देख के किसी को हंसी ना आए जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक सर्टेन लेवल की ग्रुपिंग uh, ना हो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑफिस सप्लाईज की बात करते हैं देर इज एन एक्सपेंस ऑफिस सप्लाईज उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम कहते हैं नहीं जनाब हमने अलग अलग दिखाना है कि फैक्ट्री के वॉशरूम के ऊपर कितना खर्चा हुआ है उसकी सफाई सुथराई पे फैक्ट्री के ऑफिस की सफाई सुथराई पे कितना खर्चा हुआ है चाय पानी जो ऑनर का था उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है ऑफिस के अंदर जो अकाउंटिंग स्टाफ है उनके चाय पानी पे कितना खर्चा हुआ है अगर आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक 400 सौ सफों का डॉक्यूमेंट बन जाएगी हम लोग क्या करते हैं हम लोग ट्रायल के अंदर से मुख्तफ चीजें लेते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं एक जैसी चीजें इकट्ठी करके प्रेजेंट करते हैं तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो लेकिन कम्प्लीट होने के साथ साथ ये कंसाइज भी हो ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए तो कम्प्लीटनेस और कंसाइजनेस का जो डिफरेंस है कम्प्लीटनेस और कंसाइजनेस इन दोनों को हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीट भी होनी चाहिए और वो कंसाइज भी होनी चाहिए ठीक है जी कंसाइजनेस जो है ये हम कैसे अचीव करते हैं हम लोग ग्रुपिंग से अचीव करते हैं ग्रुपिंग से यह मुराद है कि एक जैसे एसेट्स को एक जैसे एक्सपेंसिस को इकट्ठा एक करके दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल टी एक्सपेंसिस सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन के टी एक्सपेंसिस को इकट्ठा एक करके उसमें खाने छाने के एक्सपेंसिस को इकट्ठा करके सारे एक्सपेंसिस इकट्ठे करके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एक्सपेंस दिखाते हैं अदर एडमिन एक्सपेंस उसके अंदर ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसिस भी इतने सारे एक्सपेंसिस हम इकट्ठे कर देते हैं क्यों क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन भी चाहिए लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि तमाम नॉन करंट एसेट्स इकट्ठे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक दिखा दिया जाए हम लोग गुडविल को अलग दिखाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अलग दिखाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अलग दिखाएंगे सिमिलरली ऐसे नहीं करते हम कि तमाम करंट एसेट्स को इकट्ठा करके करंट एसेट्स की एक फिगर दिखा दी जाए हम कहेंगे जनाब टोटल एसेट्स एसेट ऐड कर दें उसमें डाटा भी ऐड कर दें अदर रिसीवेबल्स भी ऐड कर दें कैश एंड बैंक भी ऐड करते हैं और इन सालों को इकट्ठा करके एक फिगर कर दें तो हम एक सर्टेन लेवल की ग्रुपिंग करते हैं इन मटीरियल आइटम्स की ग्रुपिंग करते हैं जो छोटी छोटी आइटम्स होती हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं बड़ी बड़ी आइटम्स की ग्रुपिंग नहीं करते तो नंबर वन कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट होनी चाहिए लेकिन कंप्लीट के साथ साथ ये कंसाइज भी होनी चाहिए नंबर टू कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हर वो चीज प्रजेंट की जाए जो मटीरियल है अब मटीरियलिटी का क्या मतलब है इंफॉर्मेशन इज मटीरियल कोई इंफॉर्मेशन मटीरियल होगी इफ ओमिटिंग और मिस स्टेटिंग इट अगर आप इसे omit, omit कर दें, यानी निकाल दें या मिस स्टेट कर दें यानी गलत रिप्रेजेंट कर दें एक इंफॉर्मेशन थी जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं की या आपने प्रेजेंट की तो गलत कर दी और इसको गलत लिखने से या इसको मिटा देने से गायब कर देने से इट कुड इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल डिसीजन डेट यूजर मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें हमने कहा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पज है कि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं और हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में से कोई ऐसी चीज मिस कर दी जो कि यूजर्स के डिसीजन के ऊपर इम्पेक्ट कर रही थी हमने एक जगह से लोन लिया हुआ था हमने लोन तो दिखा दिया लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये जो लोन है ये हमने अपनी फैक्ट्री को गिरवी रख के लिया था और हम इस लोन को वापस नहीं कर पा रहे बैंक ने हमें एक नोटिस दे दिया है कि जनाब हमें अगले तीन महीनों के अंदर अंदर पैसे दे दे नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे हम और हमने ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं की है अब देखें कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं करते तो इसका मतलब है कि रावी चैन ही चैन लिखता है वो कहता है कोई मसला नहीं है सारा कुछ अच्छा चल रहा है लोन लिया हुआ है वापस कर देंगे कुछ नहीं होता लेकिन अगर रावी, रावी ने चैन ही चैन लिखा और एक महीने के बाद दो महीने के बाद कंपनी बंद हो गई तो लॉस हो जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एक झूठ आया जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट नहीं हुई सो दिस इज व्हाट वी थिंक इज मटेरियल इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए कि लोन लिया है वापस नहीं दे पा रहे बिजनेस बंद होने का खतरा है ये बताना है हमने ठीक है जी दिस इज वट वी कॉल कंप्लीटनेस और मटीरियालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन मटीरियल है इम्पॉर्टेंट है अगर उसको छोड़ने या उसको गलत तौर पर रिप्रेजेंट करने से जो इसके यूजर्स हैं वो मिसलीड होंगे तो मटीरियालिटी मीन्स मिसलीडिंग अगर आप वो इंफॉर्मेशन मिस मटीरियल है तो इसका मतलब है अगर उस इंफॉर्मेशन को मिट करने से या मिस करने से आप लोगों को मिसलीड कर सकते हैं तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मटीरियल है ठीक है जी तो मटीरियल कम्प्लीटनेस जो है और मटीरियालिटी यहाँ पे आपको डिस्कस होगी और मटीरियालिटी इन इट सेल्फ इज अ ग्रेट प्रिंसिपल के हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी काम करते हैं तो हमने मटीरियालिटी को जहन में रखना है कोई इन्फॉर्मेशन मटीरियल होगी अगर उसको मिट करना या उसको मिसटेड करने से यूजर्स का फाइनेंशियल डिसीजन चेंज हो सकता है अच्छा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क डिसीजन ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो यूजर इंफॉर्मेशन डिसीजन लेता है अबाउट द स्पेसिफिक एंटिटी अब यहाँ पे बड़ा जरूरी हो जाता है कि यूजर्स का जो डिसीजन है उसका और इंफॉर्मेशन का एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप निकले फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इंफॉर्मेशन के देर इज अ प परसन इन द मैनेजमेंट जो के आपके आपके फर्ज कि आपकी और एक और जात वाले लोगों के साथ लड़ाई आपकी यानी कि अक्सर ऐसे होता ना, है ना गाँव में लड़ाइयाँ होती हैं तो मैनेजमेंट के अंदर एक ऐसा बंदा है जो आपके दुश्मनों का बंदा है और वो इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप फाइनेंशियल uh, रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब डेट पर्सन इज द डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस uh, और हम उस बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है ना वो उस बेसिस के ऊपर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते तो जनाब दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट मटीरियल क्योंकि इससे यूजर का स्पेसिफिक एंटिटी के अगेंस्ट फाइनेंशियल डिसीजन चेंज नहीं होगा ठीक है वो हमने अपने जात, अपने जाती मर्जी के तहत ये वाला काम किया है कि हम लोग इस बिजनेस के साथ काम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फ्लां बंदा बैठा हुआ है लेकिन दिस इज समथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज फार एज द अकाउंटिंग इज कंसर्न राइट अच्छा मटीरियलिटी की दो चीजें होती हैं एक चीज तो हमें समझ आती है मैग्नीट्यूड जो चीज जितनी बड़ी होगी वो उतनी मटीरियल होगी जिसके बारे में हम बात भी करके आए हैं कि जनाब छोटी छोटी चीजें क्लब कर दी जाए और उनको क्लब करके प्रेजेंट कर दिया जाए देन देर इज अनदर थिंग जो मटीरियलिटी में आपने देखनी है विच इज नेचर किसी बिजनेस की जो नेचर होती है किसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की नेचर होती है कभी कभार वो बहुत मटीरियल होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं लीगल एक्सपेंसिस लीगल एक्सपेंसेस कभी भी किसी भी और एक्सपेंस के साथ क्लब होकर प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं यू विल गो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी भी कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नेट से डाउनलोड करें आपको या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही लीगल के नाम से अलग से अकाउंट नजर आएगा या अगर आप अदर एक्सपेंसिस के अंदर जाके उसके नोट्स वगैरह में देखेंगे उसकी इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नजर आएगा कि कितने लीगल एक्सपेंसिस हमने किए हैं क्यों क्योंकि लीगल एक्सपेंसिस की बेसिस के ऊपर ये चीज आइडेंटिफाई होती है कि इस बिजनेस के ऊपर कितने केसेस हैं इस बिजनेस ने किस किस का लोन देना है इस बिजनेस ने क्या क्या करना है तो कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहे उसकी अमाउंट कम है लेकिन वो मटेरियल बहुत ज्यादा होती है तो उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर बड़ी मटेरियल होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक वकील को कुछ पैसे दिए हैं हर महीने आप दे रहे हैं पैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि ये आप हर महीने उसको क्यों पैसे दे रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस किया हुआ है किसी ने और कहीं ऐसे तो नहीं है कि अगर कोई केस किया हुआ है तो आप वो केस हार जाएंगे कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो केस के हार जाने से आपका बिजनेस डूब जाएगा अगर इस तरह की सिचुएशंस आपको आ रही हैं तो फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी वो चाहे आपने उसको पांच हजार रुपये ही क्यों ना दिए हो राइट सो द थिंग इज इसके मटेरियलिटी ज्यादातर मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है बट सिर्फ मैग्नीट्यूड पर नहीं चीज़ की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है आगे चलते हैं जनाब गोइंग कंसर्न दिस इज अ वेरी बेसिक अजम्पशन ये अंडरलाइंग अजम्पशन भी कहलाती है अंडरलाइंग अजम्पशन जो होती है वो ये होती है कि जो क्वेश्चनेबल नहीं होती है जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं होती है हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट करें कि आपको मैं कहता हूँ फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है मैं आपको दे देता हूँ तो इसका यह मतलब है कि वो कंपनी गोइंग कंसर्न है गोइंग कंसर्न है गोइंग कंसर्न कंसर्न कहते हैं एंटिटी को बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को गोइंग का मतलब है चलता चलाता यानी कि गोइंग कंसर्न का मतलब है चलता चलाता कारोबार कोई भी कारोबार गोइंग कंसर्न तब होगा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल ये कहते हैं कि जब उसके उसके अंदर यह चीज पाई जा रही हो कि अगले फोरसीएबल फ्यूचर तक वो बिजनेस चलता रहेगा सम बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न इफ इट इज सेट दैट द कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर फोरसीएबल फ्यूचर एंड डज नॉट इंटेंड टू गो इन टू नोर विल बी फोर्ड इन टू लिक्विडेशन लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ बिजनेस हम लोग ये बात करते हैं कि गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हर वो बिजनेस कंसर्न होगा जो हमें लगता है कि अगले एक साल तक चलता रहेगा इफ ए बिजनेसिटी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न अगर एक बिजनेस ऐसा है जो कि अगले एक साल तक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा या आपको लगता है कि उनका डिसीजन है या आपको लगता है कि किसी ने इनको जबरदस्ती बंद करवा देना है तो वो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगी

हम लोग कैफ वन में भी पढ़ेंगे कैफ फाइव में भी कैफ सेवन में भी सीफे वन में भी सिर्फ उन बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ेंगे जो गोइंग कंसर्न है जो चलते रहेंगे जो बंद नहीं होंगे सीफा वन में जाके यू विल सी के फिर बिजनेस इज नॉट ए गोइंग कंसर्न तो फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है ये आपको वहां पे जाके पता चलेगा अभी आपने ये ज्यूम करना है कि हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग पढ़ेंगे यानी कि ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ेंगे जो के चल रहे हैं और फोरसीएबल फ्यूचर तक चलते जाएंगे स्टैंडर्ड ने फोरसीएबल फ्यूचर को भी एक्सप्लेन किया है उन्होंने कहा है ट्वेल्व मंथ अगले बारह महीनों तक अगर वो बिजनेस चलता रहेगा तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि डैट इज अ गोइंग कंसर्न राइट तो गोइंग कंसर्न इज समथिंग गोइंग कंसर्न इज बिजनेस विच कंटिन्यूज टू ऑपरेट फॉर फॉर सीएबल फ्यूचर और फॉर सीएबल फ्यूचर कम अज कम बारह महीने का होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग एजम्स ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म सब्सटेंस जो है ये फॉर्म के ऊपर होनी चाहिए कि हम लोग सब्सटेंस जो है इसको प्रेजेंट करेंगे फॉर्म को और अगर सब्सटेंस और फॉर्म इन दोनों में से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो हम उसके सब्सटेंस को देखेंगे इसकी एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं फर्स्ट करें कि हमने एक एसेट लीज के ऊपर लिया है आपने एक जनरेटर लीज के ऊपर लिया है ये जनरेटर आपके पास है ये आपकी कस्टडी में है अब इस जनरेटर की कस्टडी आपके पास होने का ये मतलब है कि आप इसको यूज कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार हर वो एसेट जिसको हम यूज कर रहे हैं और जो हमारी कस्टडी में है वो तो हमारा एसेट होगा तो बाय डेफिनेशन दिस जनरेटर इज योर एसेट इसको एसेट के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए लेकिन हमने यही देख ये यह भी देखना है कि क्या ये जो एसेट है इज दिस एसेट लाइक अदर एसेट्स क्या ये दूसरे जनरेटर की तरह का है जो जनरेटर हमारे पास पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ आ, ऐसी बात नहीं है अगर कोई और जनरेटर हमारे पास पड़ा हुआ है जो जिसके हम ऑनर हैं और ये जनरेटर तो ये दोनों अलग अलग जनरेटर्स हैं हम ये नहीं कह सकते कि यार इस्तेमाल तो दोनों ही हो रहे हैं और दोनों ही हमारे पास पड़े हुए हैं दोनों की रिपेयर मेंटेनेंस हम देखते हैं दोनों की सफाई हम करवाते हैं दोनों को इस्तेमाल भी हम करते हैं तो फिर क्यों ना हम इन दोनों को इकट्ठा करके ए, एसेट के तौर पे प्रेजेंट कर दें तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमने उसकी सब्सटेंस भी देखनी है कि उसकी सब्सटेंस क्या है वो कहाँ से आया है वो हमारे पास कैसे आया है तो सब्सटेंस जो है इसको भी फोकीयत देनी है इसको भी प्रजेंट करना है तो ऐसा एसेट जो कि हम लोगों ने अपने पास रखा है फॉर द परपज ऑफ यूज और वो हमने लोन लेकर लिया है या वो बैंक की ओनरशिप का है तो हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से हम कहेंगे कि दिस इज ए लीज होल्ड जनरेटर ये हमारा लीज के ऊपर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इसको अलग प्रेजेंट करेंगे दैट तो एसेट जो कि हमारा ओन्ड एसेट है तो सब्सटेंस ओवर कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द सब्सटेंस हमने ये भी बताना है कि इसका सब्सटेंस और है और उसका सब्सटेंस और है दोनों एक जैसे दिखने वाले जनरेटर हैं एक ही साइज के एक ही कंपनी से लिए गए एक ही कलर के एक ही आउटपुट कैपेसिटी के एक ही टाइम में इस्तेमाल होते हैं एक ही फैक्ट्री को बिजली देते हैं लेकिन एक हमारा है और दूसरा है तो हमारा ही हमारे पास पड़ा हुआ है अगर वो एसेट पंद्रह साल चलना है तो पंद्रह साल के लिए बैंक ने हमें लेके दिया हुआ है लेकिन सारा कुछ सेम है लेकिन एक चीज है कि वो हमारा एसेट नहीं है वो बैंक का एसेट है तो फिर क्योंकि उसकी सब्सटेंस डिफरेंट है तो हम उसको अलग से प्रेजेंट करेंगे सिमिलरली देर इज एन अरेंजमेंट थोड़ी सी मजे की अरेंजमेंट होती है मैं सेल्स एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ हो सकता है आपको समझ आ जाए देखें एक बिजनेस है उसको कैश की जरूरत है लेकिन बिजनेस जो है वो कैश कहाँ से लेके आए उसके पास कैश नहीं है बिजनेस के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपनी जमीन बेच दे जमीन बेच दे तो बिजनेस किधर चलाएगा मशीनरी बेच दे मशीनरी बेचेगा तो काम कैसे करेगा वो पैसे जो आएंगे फिर उसका क्या करेगा मशीनरी तो रही नहीं फिर उन पैसों से खेलता रहेगा ठीक है उन पैसों को काउंट करता रहेगा कभी कुछ काउंट कर लिया कभी कुछ काउंट कर लिया क्योंकि मशीन तो बेच दी मशीन बेच के तो पैसे आए हैं तुम तो अब उन पैसों से तो हमने मशीन चलानी थी मशीन तो है नहीं सो द थिंग इज के बिजनेस एक बड़े एं नेवर एंडिंग लूप में फंस जाता है कि यार अब हम कैसे लेके आए ऐसे में आता है बैंक बैंक कहता है यार देखो तुम्हें मैंने बहुत सारे लोन दिए हैं लेकिन तुम लोन वापस नहीं करते अब ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हारा सारा का सारा प्लांट परचेज कर लेता हूँ बैंक जो है वो उससे प्लांट परचेज कर लेता है इस बिजनेस का प्लांट उखाड़ते नहीं है प्लांट वहीं पे है जहां पे फिर सेट है लेकिन कागजों में बैंक जो है ना वो उसको परचेज कर लेता है आपसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो आ, प्लांट है उसकी कॉस्ट है उसकी जो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ रही है वो फिफ्टी मिलियन आ रही है बैंक कहता है ठीक है मैं तुमसे चालीस मिलियन का ये परचेज कर लेता हूँ और तुम्हें चालीस मिलियन कैश दे देता हूँ कागजों में वो प्लांट जो है वो बैंक बैंक के नाम पे हो गया अब उसका ऑनर है आप बैंक के पास दोबारा जाते हैं और आप जाके कहते हैं यार ये ये प्लांट जो है ना मुझे बेच दो बैंक कहता है ठीक है कैसे आपने कहा कि जी यार ये प्लांट मुझे बेच दो लेकिन मैं तुम्हें किस्तों में पैसे वापस करता जाऊंगा अब समझ लो कि ये तुम, तुम इसके ऑनर बन गए हो तो ये तुमसे मैं लीज ले रहा हूँ तो मैं तुम्हें किस्तों में पैसे देता जाऊँगा तो वो प्लांट जो है वो कागजों में दोबारा वो प्लांट कागजों में बिजनेस का है बैंक का है लेकिन बिजनेस उसको यूज कर रहा है एज ए लीज होल्ड लैंड जैसे जनरेटर था तो एक जनरेटर आपने बैंक को जाके भेजा है यूज आप ही कर रहे हैं लेकिन अब उसका ऑनर बैंक बन गया है तो इस केस में भी इसको हम सेल्स एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं आपकी बुक में नहीं है क्या फाइव में है आप लोग वहां पे जाएंगे तो पढ़ेंगे सेल्स एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या आप अपनी चीज किसी को भेज देते हैं और फिर दोबारा किस्तों पर वापस परचेज कर लेते हैं बेचने से पूरे पैसे आपके पास आ जाते हैं और फिर किस्तों में आप उसको पैसे वापस करते रहते हैं बैंक इस सिनेरियो में ज्यादा सिक्योर है क्यों क्योंकि अब उसके पास एसेट आ गया है आप उसके पास पूरी की पूरी फैक्ट्री आ गई है अब वो चाहे किसी भी वक्त आपने पैसे वापस नहीं दिए बैंक के बंदे आएंगे साथ में पुलिस वाले आएंगे वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे और बैंक उसको चलाना शुरू कर देगा थोड़ी देर बाद बैंक उसको बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा So के ये कहती है कि चाहे चीजें बिल्कुल दिखने में एक जैसी हो लेकिन आपने उसकी सब्सटेंस को भी जो के आप लोगों के लेवल की है आपको समझ आ सकती हैं और वो यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके अलावा आपको समझ आने वाली नहीं है और एग्जाम्पल्स हैं लेकिन वो हम आपको समझा नहीं सकते क्यों क्योंकि वो आपके भी सिलेबस से बाहर हैं तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लेकिन इसका पेपर में नंबर जाया नहीं होता क्यों क्योंकि इसकी यही दो एग्जाम्पल्स हैं कि आप लीज ले लें कोई एसेट या आप अपना एसेट पर सेल करके परचेस कर लें तो इन दोनों केसेस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म आता है अच्छा जी एक सवाल देखते हैं सर क्या मटेरियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी हो सकती है देखें मटेरियल इंफॉर्मेशन तो हर जगह पे होती है मटीरियलिटी का रूल आपने फॉलो करना होता है लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट है या डायरेक्टर्स रिपोर्ट है जिनको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं किसी एक साल की जो कंपनी बना के देती है एक बुक बुकलेट सी बना के देते हैं तीन सौ दो सौ सफों की जिसमें थोड़ी सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बाकी उसके अलावा बड़ी सारी फोरकास्टें होती हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है और उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस होती है और उसके अलावा पिछले पांच सालों का दस सालों का वो जो है ना वो कमिटिव एनालिसिस होता है और बड़ा कुछ होता है उसमें वो बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन होती है अगर आप टाइम निकाल के उसको देखें तो आपको मजा आएगा उसका लेकिन वो आपके अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर नहीं आती अकाउंटिंग के रूल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आई एस एज उसको रूल करते हैं ठीक है जो आप इनशाला कैफ नाइन ऑडिट में जाके पढ़ेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए इन्फॉर्मेशन की मटीरियालिटी का क्या मतलब है इन्फॉर्मेशन की मटीरियालिटी का ऑडिट में एक बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ठीक है मटीरियालिटी की डेफिनेशन ऑडिट के अंदर और भी ज्यादा कंप्रीहेंसिव है तो वो आप ऑडिट के अंदर जब जाएंगे तो मटीरियालिटी ऑडिट की मटीरियालिटी ऑडिट रिपोर्ट वाली आप देखेंगे सिमिलरली ऑडिट ये जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हमारे मुल्क का जो आप आगे जाके सी फैप टू में पढ़ेंगे ठीक है सी फैफ के लेवल पे जो लॉ का पेपर है उसके अंदर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आपको बताती है कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए और सॉरी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए और डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस भी होती है अगेन ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़े से जो है ना उससे मोटिवेट हों ठीक है आप इसको आ, सोचें कि यार फ्यूचर में जाके आपने क्या क्या, क्या कुछ करना है यू विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इंशाल्लाह सारी चीजें पता होंगी सारी चीजें आपको आएंगी आ, उस लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज दी जाए आपने वो पास करनी है और अगले लेवल पे मूव कर जाना है तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी ऑफ सी ए यू विल बी ए ग्रेट जेंटलमैन यू विल बी समवन के जिसको हर चीज का पता है जो हर चीज को जानता समझता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के लिए जैसे आप छोटे होते हुए आप लोग वो नहीं पढ़ते मजे मजे के जो रसाले होते हैं छोटे छोटे जिनमें बच्चों की प्यारी प्यारी बातें लिखी होती है यू विल बी डिलईटेड टू सी द फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस आपको वो देख के मजा आएगा और आप एम ही उसको ऐसे रोल करते रहेंगे आपको मजा आएगा इनशाला ठीक है जी हम लोग कुछ क्वालिटेटिव करेक्टर्स की बात करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं देखें एक बात हम लोगों ने ये की कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं रूल्स ऑफ लाइफ हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं सिमिलरली कुछ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जिनको फॉलो करते हुए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो जनाब उन रूल्स को अकाउंट उन रूल्स को करने के उन रूल्स को फॉलो करने से हम हासिल क्या करना चाहते हैं हम लोग ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हासिल करना चाहते हैं जिसमें ये कुछ क्वालिटीज पाई जाए ठीक है हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते ना कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में शराफत लेके आएंगे सदाकत लेके आएंगे अगर हम अपनी ज़िंदगी में सदाकत लेके आना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या मेरे मेरी बोलने में मेरे बात करने में आपको क्या मिलेगा सच मिलेगा ठीक है दीज आर द क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर डेवलप हुई हैं क्यों क्योंकि मुझे ये प्रिंसिपल सिखाया गया था कि मैंने सच बोलना है और ये प्रिंसिपल मुझे कैसे सिखाया गया था पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले तो नहीं सिखा सकते क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उनका ये प्रिंसिपल है कि वो सच्चाई सदाकत मुझे तो माँ जी के डंडे ने सिखाया है कि सच कैसे बोलना है ठीक है सदाकत जो है वो माँ जी के डंडे ने सिखाई है और अब मेरी जिंदगी में जो क्वालिटेटिव करेक्टर है वो ये है कि मैं सच बोलता हूँ ठीक है सिमिलरली बहुत सारे क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके उन प्रिंसिपल्स की बेस पे बनते हैं तो क्वालिटेटिव करेक्टरस्ट आर समथिंग जिनकी बेस के ऊपर हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या क्वालिटीज नजर आती हैं वो अब आप लोगों के सामने है नंबर वन रेलिवेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगी वो रेलिवेंट होगी टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग कीपिंग मटीरियालिटी इन माइंड तो जनाब जब हम लोग उन रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेलिवेंस आ जाएगी हम लोग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे रेलिवेंस जो है वो प्रोडिक्टिव प्रोस्पेक्टिव हो सकता है और कन्फर्मेटरी प्रोस्पेक्टिव हो सकता है अब प्रोडिक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्या होता है प्रोडिक्टिव प्रोस्पेक्टिव का ये मतलब है कि हम लोगों को फर्ज करें कि पिछले पांच सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी जाए तो हम इस काबिल हों कि हम छठे साल की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकें दिस इज वाट वी कॉल प्रोडिक्टिव प्रस्पेक्टिव प्रोडिक्टिव प्रस्पेक्टिव क्या होता है कि हम लोगों को जब इन्फॉर्मेशन मिले तो हम उसकी बेसिस के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकें ट्रेंड एनालाइज कर सकें और अनटिल अनलेस के इकानमी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए जैसे कि रिसेंट चेंज होता है कोविड की वजह से इकानमी बिल्कुल बैठ गई सारे मुल्कों की तो या उससे पहले नाइन अलेवन की वजह से इकॉनॉमी में बड़ा चेंज आया वर्ल्ड वॉर्स की वजह से बड़ा चेंज आया तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़ा चेंज आया तो जनाब इन चीजों को अगर हम साइड पर रखें और नॉर्मल में ही चलते जाएं, तो वी कैन प्रोडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाइव बेसिस ऑफ फाइव ईयर इन्फॉर्मेशन के छठे साल में इंफॉर्मेशन क्या आने वाली है तो ये तभी होगा ना जब हम जब हम कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे जब हम प्रूडेंस को फॉलो करेंगे जब हम मटेरियलिटी को फॉलो करेंगे जब हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ठीक है तभी होगा ये तभी हो सकेगा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तभी होगी प्रोडक्टिव प्रस्पेक्टिव तभी आएगा जब हम लोग रूल्स uh, को फॉलो करेंगे जिनको हम पास्ट में फॉलो करते आए हैं और उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे सिमिलरली कन्फर्मेटरी प्रोस्पेक्टिव कन्फर्मेटरी प्रोस्पेक्टिव का ये मतलब है कि किसी भी एक साल की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ रिकनसाइल्ड होती हुई नजर आए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सेल्स बढ़ गई हैं मेरी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो वो सेल्स से मुझे क्या आया होगा या तो कैश आया होगा या डेटर्स इंक्रीज हुए होंगे तो अगर मेरी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो क्या मेरा कैश भी बढ़ा है क्या मेरा बैंक बढ़ा है क्या मेरे एसेट्स बढ़े हैं क्या मेरे एसेट्स के अंदर इंक्रीज आया है ठीक है इसी तरीके से अगर हमारा लॉस हो रहा है अगर हमारे एक्सपेंसिस बढ़ गए हैं तो क्या हमारी लाइबिलिटीज भी बढ़ रही तो इस तरह से चीजें एक दूसरे के साथ कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है उसका एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करना बड़ा जरूरी है तो अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो तमाम रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं वो फॉलो करेंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्फर्मेटरी परस्पेक्टिव भी आ जाएगा कि चीज़ें एक दूसरे के साथ कन्फर्मेश सिचुएशन में आ जाएंगी हमें नजर आएगा कि जब हमारी सेल्स बढ़ी हैं तो यहाँ तो हमारे एसेट्स बढ़े होंगे या हमारी लाइबिलिटीज कम हुई होंगी ठीक है तो ये जो कन्फर्मेटरी परस्पेक्टिव है ये ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो वो बड़ा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जैसे ही आप लोगों को किसी भी मुल्क की ग, किसी भी सॉरी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आए तो आपको चाहिए कि आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से इस तरह के एनालिसिस करें आप देखें कि पिछले साल की सेल्स क्या थी इस साल की सेल्स क्या है पिछले साल और इस साल की सेल्स में अगर फर्क है तो वो फर्क आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे नजर आ रहा है फाइनेंशियल uh, पोजिशन वाली स्टेटमेंट के अंदर तो इस तरीके से आप चीजों को एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करने की कोशिश करें और अगर आपने सही रूल्स फॉलो किए होंगे तो यस आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट भी होगी और उसमें कंफर्मेटरी परस्पेक्टिव भी आ रहा होगा दूसरा जो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं वो है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके ऊपर सब लोगों को एतमाद है बा एतमाद रिप्रेजेंटेशन ठीक है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू आपके हो आपके बिजनेस का इसमें इनकम ओवरस्टेट ना की गई हो इसमें ना किए गए हो। इसमें सेल्स उतने ही जितने यूनिट की सेल हुई है उतने यूनिट की ही कॉस्ट रिकॉर्ड की गई हो इसमें जो एसेट पूरा साल यूज हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की गई हो ट्रू हो फेयर हो सच्चा और खरा खरा सच ठीक है जी ट्रू एंड फेयर जो है ना मेरे ख्याल से चेंज करके मुबशर लुकमान ने अपना प्रोग्राम बनाया था ट्रू एंड फेयर के वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा था खरा सच सच्चा और खरा ठीक है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची होनी चाहिए खरी होनी चाहिए उसमें कोई झूठ ना हो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से प्रेजेंट की गई ये हो ये कंप्लीट हो न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर हो ये तीन चीजें जो ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर आती तो अगर आपसे कोई पूछे के बताएं ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं तो वी विल से कंप्लीट न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स राइट ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग के को कैसे अचीव करते हैं कंपेरेबिलिटी से चीजें एक दूसरे के साथ कंपेयर होनी चाहिए कंसिस्टेंसी हम लोग लेके आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऐसी बनाए जैसा आपकी इंडस्ट्री में बाकी लोग बनाते हैं अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसी ही होनी चाहिए जैसी के बाकी इंश्योरेंस हो कंपनियों की होती है एक्सटर्नल कंपेरेबिलिटी uh, होनी चाहिए इंटरनल कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए यानी कि आपकी ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पिछले साल सालियों से पिछले साल सालियों से पिछले, साल पिछले साल आपने बनाई थी उसके साथ ये कंपेयर होनी चाहिए कंपेरेबल होनी चाहिए कंसिस्टेंसी हम लोगों ने पढ़ ली है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है एक ही तरीके को एक ही प्रोसीजर को एक ही प्रेजेंटेशन मैथड को फॉलो करना जिससे कि आपके पास कंपेरेबिलिटी आती है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को के थ्रू भी प्रेजेंट करते हैं वेरीफाइए हासिल कर सकते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें कोई झूठ ना हो कोई दगा कोई फरेब ना हो ऐसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है आपने ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड करनी है जो झूठ की बेस पर झूठ पे मबनी ना हो जिनमें ऐसे ना हो कि आपने खुद ही अपने पास से ही सैलरियां रिकॉर्ड करते जा रहे हैं अपने पास से ही चाय का एक्सपेंसर रिकॉर्ड करते जा रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस डालते चले जा रहे हैं ठीक है वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए हर एक्सपेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए आप बैक एंड पे उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट करें ठीक है डायरेक्ट वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऐसे हो सकती है कि आप देखें कि आपके पास रसीदे मौजूद है कि नहीं और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन ऐसे हो सकती है कि आप देखें कि जनाब फॉर uh, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरी कंपनी में पंद्रह लोग हैं और हर बंदे को जो है ना वो हम लोग ऑन एवरेज तकरीबन उन्नीस हजार रुपए की सैलरी देते हैं बारह महीनों तक हम लोग सैलरी देते रहे हैं तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो चले इसको बीस कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो <coughs> बीस हजार सैलरी देते हैं तो वन एटी थ्री सिक्सटी जीरो ट्रिपल जीरो मेरे ख्याल से इतनी बनेगी थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन की सैलरी बनेगी तो थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन के आसपास सैलरी होनी चाहिए छत्तीस लाख के आसपास ऐसे ना हो कि मेरी जो सैलरी है वो अल्लाह आपका भला करे कि तकरीबन जो है ना वो Uh, पचास लाख की हो जाए तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन को एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कहते हैं जिससे कि हम लोग चेक करते हैं कि चीज़ें वेरीफाइएबल हैं भी या नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेरेबिलिटी के थ्रू और वेरीफाइबिलिटी के थ्रू आप हासिल करते हैं टाइमलीनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो टाइमली प्रेजेंट की जानी चाहिए ये ना हो कि चार साल गुजर जाए और उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें दिस इज नॉट अलाउड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए आपके पास नब्बे दिन का टाइम होता है आपने नब्बे दिन के अंदर अंदर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रजेंट करना होता है आपको पता है उसके ऊपर फिर एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसने उसकी बोर्ड अपना जनरल मीटिंग भी करानी होती है जी जिसे कहते हैं और फिर अप्रूवल भी होनी होती है सारा कुछ होना होता है उस निटिग्रिटीज में हम, हम लोग नहीं जा रहे लेकिन अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट यह है कि जनाब ये वाली सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली टाइम विद इन अप्रोप्रियट टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए अंडरस्टैंडेबिलिटी ये अंडरस्टैंड भी हो अंडरस्टैंडेबल भी हो ठीक है क्लासिफिकेशन इसकी ठीक हो प्रेजेंटेशन भी इसकी ठीक हो तो ये चार चीजें हैं जिनके थ्रू आप लोग फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं कि अचीव हुआ कि नहीं हुआ फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं ये हमने ये पढ़े दो हैं रेलीवेंट रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कैसे हासिल होंगे ये इन चीज़ों से गोइंग कंसर्न मटीरियलिटी सब्सटेंस ओवर फॉर्म वगैरह से हासिल होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये हासिल हो चुके हैं हाउ विल चेक हम लोग चेक करेंगे कंपेरेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे वेरीफाइबिलिटी हम लोग चेक करेंगे टाइमलीनेस और हम लोग चेक करेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो पिछली स्लाइड पे रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन लिखी है ये हासिल हुई है जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो पीछे हमने बातें लिखी हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म गोइंग कंसर्न मटीरियालिटी कम्प्लीटनेस अक्रूवल प्रूडेंस एंड कंसिस्टेंसी ये सारे के सारे प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं ये हमें कैसे पता चलेगा यह हमें पता चलेगा इन चार चीजों से कम्पेरेबिलिटी वेरीफाइबिलिटी टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आई होप कि इन सारी चीजों का आपस में लिंक जो है वो आपको समझ आ जाएगा विच इज इंपॉर्टेंट जब तक बच्चों को ये लिंक समझ नहीं आएगा वो इसको ठीक से सोल्व नहीं कर पाएंगे अब हमारे पास दो चीजें रहेंगी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की डेफिनेशन है यहाँ पे वैसे तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है अब छोटी छोटी डेफिनेशन हैं लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एसेट्स है एसेट्स आर द रिसोर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी ये वो तमाम रिसोर्सेज जो हम लोग कंट्रोल करते हैं हमारे पास हैं हमारी ओनरशिप में है हमारे कंट्रोल में है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट किसी पास्ट इवेंट की वजह से पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से वो हमारे पास आए हैं पास ट्रांजेक्शन की वजह से वो हमारे पास कैसे आए हमने यहाँ तो उसको परचेज किया है या वो हमारी ऑनरशिप में थे जब हमने बिजनेस शुरू किया या ऑनर ने हमें ला के दिया या किसी भी वजह से हमारे पास आ गया है दैट इज ए रिसोर्स जिससे हम लोग पैसे हासिल करेंगे जिससे हम लोग बेनिफिट हासिल करेंगे तो एसेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक रिसोर्स होता है जो हमारे पास है किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से हमें हासिल हो गया था फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें हासिल होंगे जैसे फॉर एक्साम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज करेंगे पैसा ही पैसा होगा गुडविल या इस तरह के दूसरे एसेट्स ये हमारे इसलिए हैं कि हम लोग पास्ट में इतनी मेहनत करते रहे हैं और ये हमारे पास पास्ट के इवेंट्स की वजह से आया है स्टॉक बेचेंगे पैसा ही पैसा होगा करंट एसेट्स में डेटर्स आते हैं डाइटर से पैसा रिसीव होगा करंट एसेट से रिसीवेबल्स आते हैं उससे पैसा रिसीव होगा अदर पे रिसीवेबल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेंसि पेड इन एडवांस कर दिए आपने प्रीपेड एक्सपेंसिज कर दिए एक्सपेंस पे कर दिए हमें फ्यूचर में आपको बेनिफिट क्या होगा उससे फ्यूचर में कोई बंदा आके आपको काम करके देगा यू विल गेट द बेनिफिट ठीक है जी तो एन एसेट इज डिफाइंड एज समथिंग विच इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड और होल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी राइट सो दिस डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट आपने ये याद कर लेनी है समझ लेना है और एसिड की डेफिनेशन के ऊपर एमसी आपको आपकी आई कैप की बुक में मिल जाएंगे आई कैप की बुक के अंदर काफी सारे मजे मजे के एमसी uh, क्यूज है तो अगर आप एमसी क्यूज कहाँ से तैयार करें बच्चे पूछते होते हैं चैप्टर वन टू थ्री के जो एमसी हैं वो आप तैयार कर लें आई कैप की बुक के एमसी तैयार कर लें डेट विल बी इनफ ठीक है जी सारे चैप्टर्स के करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स और ऐसे होते हैं जिनसे जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल होने हैं वो विद इन नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ आपको हासिल हो जाने हैं फॉर दैट आर कॉल्ड करंट एसेट्स कैश है कैश तो ऑलरेडी आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास करंट एसेट है क्यों क्योंकि उससे आपको अगले बारह महीनों के अंदर अंदर बेनिफिट हासिल हो जाना है स्टॉक हम लोग ये करते होते हैं कि वो अगले साल में बिक जाएगा अगले साल एक साल में ही बिक जाएगा एक साल से पहले ही बिक जाएगा डाटर से हम लोग ये ज्यूम करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर पैसे हासिल हो जाएंगे तो ये सारे हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं लेकिन नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो करंट नहीं होते हैं यानी कि जिनसे हमें अगले बारह सालों के अगले बारह महीनों के बाद भी बेनिफिट हासिल होता रहेगा इनको हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं सिमिलरली लाइबिलिटीज की बात करते हैं लाइबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उधर क्या था वो एक रिसोर्स था जो हमारे पास था ये एक जिम्मेदारी है जो हमारे पास है ये लीगल भी हो सकती है नॉर्मल भी हो सकती है जैसा कि प्रोविजन है ये हमारी लाइबिलिटी है ये हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमने पे करनी है अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट पास्ट के किसी भी इवेंट की वजह से यानी कि आपने किसी से कुछ चीज़ें परचेज की होंगी किसी से कोई सर्विसेज ले ली होंगी या आपने फॉर uh, एग्जांपल किसी से कोई लोन लिया होगा तो इस तरह की चीजों की वजह से आपके पास एक ऑब्लिगेशन आ गई है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं लाइबिलिटी जो है उसको सेटल करना पड़ेगा जिससे कि आपका आउटफ्लो होगा रिसोर्सिस का ठीक है ना अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसको वापस करने के लिए एक रिसोर्स देना पड़ेगा विच इज कॉल्ड कैश आपको कैश पे करना पड़ेगा अगर आपने आपके क्रेडिटर्स हैं उसको रिटर्न करने के लिए आपको एक चीज देनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड कैश ठीक है तो आपको कोई ना कोई एसेट देना पड़ेगा उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए लाइबिलिटी में भी दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में रूल वही है कि वो लाइबिलिटी जिसको आपने टू बी सेटल्ड इन टू बी सेटल्ड इन विद इन नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स जिसको आपने अगले बारह महीनों में सेटल करना है डैट इज योर करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी ये है कि जो सेटल होने के लिए ज्यादा टाइम लेगी लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर टू सेटल करंट और नॉन करंट एसेट्स में करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर एक ऐसी लाइबिलिटी हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने पंद्रह सालों का एक लोन लिया हुआ है ठीक है पंद्रह सालों के लोन में आप उसको साल में चार दफा क्वार्टरली पेमेंट करते हैं चार दफा का मतलब क्वार्टरली पेमेंट है और आपने चार सालों में ये पंद्रह सालों में ये लोन वापस करना है और आप हर साल जो पेमेंट कर रहे हैं हर क्वार्टर में जो पेमेंट कर रहे हैं लेट सपोज वो आप पेमेंट कर रहे हैं वन थाउजेंड रुपीज इसका मतलब ये है कि आप जिस डेट पे खड़े हैं इससे अगले पंद्रह सालों में वो लोन सेटल होगा और अगले एक साल तक वन ईयर के टाइम पीरियड तक आप हजार हजार रुपए की चार पेमेंट्स फिर भी कर चुके होंगे तो जनाब कभी कभार ऐसे होता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन होता है जो नॉन करंट एसेट्स में आएगा उसका करंट पोर्शन हम लोग करंट एसेट्स में ही लिखते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि कोई लोन अगर बहुत बड़ा लोन है यानी कि एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड का है तो हम उसका दो टोटे करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये जो लोन है हम इसके दो पार्ट करेंगे हम कहेंगे कि चार हजार हमने पे करना है अगले एक साल में और नौ लाख चार नौ लाख साठ हजार नौ लाख छियासठ हज़ार सपोज अगर हमारा नौ लाख सत्तर हज़ार का लोन है हम लोग कहते हैं जनाब चार हज़ार पे करेंगे और बाकी अगले सालों में पे, पे करेंगे ठीक है एग्जाम्पल आपस में एक दूसरे से मैच तो नहीं कर रही चले इसको मैच कर लेते हैं पंद्रह चौक साठ साठ हज़ार का लोन है और हम लोगों ने हज़ार हज़ार रुपया करके हर साल चार चार पेमेंट्स करनी है और पंद्रह सालों में ये पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि चार हजार की पेमेंट्स जो है वो हम लोगों ने अगले एक साल के अंदर अंदर कर देनी है और बाकी छप्पन हजार की जो पेमेंट्स हैं वो एक साल के बाद वाले टाइम पीरियड में करनी है तो जब आप सिर्फ और सिर्फ लोन की बात करूँ एसेट्स में ऐसा नहीं करना होता लॉन्ग टर्म लोन्स में करना होता है जो हमारा नॉन करंट एसेट है रूल तो ये होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा साठ हज़ार नॉन करंट नॉन करंट लाइबिलिटी में प्रेजेंट किया जाए लेकिन इस नॉन करंट लाइबिलिटीज में से चार हज़ार ऐसा है जो हमने अगले एक साल में प्रेजेंट करना है वो जो अगले एक साल में प्रेजेंट करना है वो हमारा करंट पोर्शन होगा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये भी हम लोग करंट एसेट में प्रेजेंट करेंगे ठीक है जनाब तो जो करंट करंट एसेट में दो चीजें प्रेजेंट होंगी एक वो तमाम सॉरी करंट लाइबिलिटीज में दो चीजें प्रेजेंट होगी एक वो लाइबिलिटी जो के अगले बारह महीनों में जो है वो आपने पे करनी है दूसरी वो लाइबिलिटी जो पे तो आपने ओवर द ईयर करनी है पंद्रह सालों तक लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ करंट पोर्शन यानी कि चार हजार पे ये हम लोग करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट करेंगे और बाकी जो उसका एक साल के बाद वाला जो टाइम पीरियड है एक साल के बाद वाली जो पेमेंट है वो हम नॉन करंट में प्रेजेंट करेंगे तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लाइबिलिटी एंड करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी आगे चलते हैं इक्विटी की बात करते हैं इक्विटी इज द रेजिड इंटरेस्ट इन द एंटिटी आफ्टर वैल्यूफ़ लाइबिलिटीड फ्रॉम द वैल्यूट तो जनाब आपको पता है इक्विटी होती है अगर आप बिजनेस की बात करें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी जो होती है ये किसके इक्वल होती है जनाब एसेट का इक्वल होती है दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सबसे पहले इक्विटी लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाते वक्त और फिर उसके बाद लाइबिलिटीज लिखते हैं उनका टोटल करते हैं फिर हम लोग नीचे एसेट्स लिखना शुरू करते हैं और एसेट का टोटल करते हैं तो हमें पता होता है कि इक्विटी और लाइबिलिटी का जो टोटल है वो एसेट के टोटल के इक्वल होता है तो दिस इज द इक्वेशन और अगर हम लोग इक्विटी की बात करें तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इसका मतलब ये है कि एसेट्स तमाम एसेट्स में से तमाम लाइबिलिटीज माइनस कर दी जाएं तो हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसे हम इक्विटी कहते हैं ठीक है इक्विटी को प्यार से नेट एसेट्स भी कहते हैं और नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज एक और चीज होती है जरा गौर से देख लिया आपको पता है एसेट दो तरह के होते हैं करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स सिमिलरली लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज तो जनाब एक चीज जरा जहन में रखिएगा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स लें या अब आपको मैं ऑफ द टॉपिक बात बता रहा हूं और उसमें से हम सिर्फ करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं ये चीज जेन में रखेगा इक्विटी को हम लोग कैपिटल भी कह सकते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल या इक्विटी किसके इक्वल होते हैं तो हम लोग कहेंगे तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होता है तो आपने कहना करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ठीक है जी तो ये दो सिचुएशन है जो यहाँ पे राइज होती है करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं नेट एसेट्स भी कहते हैं राइट right? तो उम्मीद है आपको इक्विटी की समझ आई होगी इनकम की बात करते हैं देखें इनकम दो तरह की होती है समथिंग विच इज कॉल्ड रेवेन्यू रेवेन्यू इज द इनकम विच इज अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है जनाब आपको पता है अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो गौर से देखिएगा हम लोग यहां पे लिखते होते हैं सेल्स सबसे पहले सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू ठीक है जी इसमें से माइनस करते होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास क्या आता है जी ग्रॉस प्रॉफिट आता है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते होते हैं जनाब अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस सारा नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम ज़ाया होगा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस और इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम्स तो जनाब इनकम आपके पास दो तरह की होती है एक को हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं दूसरे को अदर इनकम कहते हैं अब ये कौन डिसाइड करेगा कि समथिंग कम्स हेयर और हेयर तो जनाब जेन में रखें कि वो इनकम जो आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी है उससे हासिल हुई है उसको हम लोग सेल्स रेवेन्यू कहते हैं और वो इनकम जो आपको अहमी राह चलते हासिल हो गई है फॉर एग्जांपल कोई बैड डेट रिकवर हो गया फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और छोटी सी कोई चीज बेच दी आपने कोई एसेट सेल कर दिया आपने आ, कोई चीज जो है ना वो बेचना शुरू कर दी आपने मेन काम के साथ साथ आपने कोई काम किया कोई मशीनरी मंगवाई थी उस मशीनरी से आपको कुछ स्क्रैप हासिल हुआ आपने वो स्क्रैप बेच दिया उसका पैकिंग मटेरियल बहुत सारा आया था तो उससे आपको कुछ इनकम हो गई तो ये जो अदर इनकम्स होती हैं ये आपका मेन मकसद नहीं होती ये तो बस सिर्फ आप काम करते करते आपको कोई चीज हासिल हो गई फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पार्किंग स्पेस थी आप वहां पे स्टाफ की गाड़ियां खड़ी करते थे और वहां पे क्या हुआ कि इतवार वाले दिन क्योंकि छुट्टी होती है तो गाड़ियाँ आप नहीं खड़ी करते हैं किसी बंदे ने आपको आके कहा कि जनाब ये जो ग्राउंड है ये आपका इतवार को खाली होता है ये हमें दे दें हम यहाँ पे इतवार को मैच करा लेते हैं या यहाँ पे हम मार्की लगा के अपनी कोई शादी का फंक्शन अरेंज कर लेते हैं आप कहते हैं ऐसे थोड़ी है उसने कहा जी आपको कुछ पैसे दे देंगे आपने पैसे ले लिए वो आपकी अदर इनकम हो जाएगी क्यों क्योंकि शादी हॉल बनाना या ग्राउंड बनाना आपका मकसद नहीं था फिर भी आपको उससे कुछ रेवेन्यू हो गया ऐसे हो सकता है कि वो आप हर महीने हर हफ्ते हर इतवार को वो आप किसी को दे देते हैं और आपको वहां से कंटिन्यूसली इनकम आना शुरू हो गई है लेकिन क्योंकि फिर भी वो आपका मेन नहीं था इसलिए वो चाहे जितनी मर्जी इनकम हो वो अदर इनकम में आएगी चाहे जितना मर्जी बड़ा आपको एसेट को बेचने से प्रॉफिट हो गया अगेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हो गया आप उसको अदर इनकम्स में ही लिखेंगे राइट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड अदर इनकम डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू इज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ

Uh, आप लोगों ने देखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी बिजनेस का सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है किसी भी बिजनेस का जो जो कंपनी होती है उनका तो हम लोग इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखते हैं कि हमारे बिजनेस का मेन काम क्या होगा उस बिजनेस का मेन काम जो है उससे जो पैसे आपको हासिल होते हैं वो आप रेवेन्यू में लिखते हैं और अगर उस बिजनेस का जो भी मेन काम है उसके अलावा किसी और एक्टिविटी से आपको कुछ गेन हासिल हो गया वो आप अदर इनकम्स में लिखते हैं राइट सो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन इनकम रेवेन्यू एंड अदर इनकम इनकम वो चीज होती है जो आप हासिल करते हैं जब आप कोई चीज बेचते हैं जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी हासिल करते हैं तो जो गेन आपको हासिल होता है डेट इज योर इनकम आगे चलते हैं जी एक्सपेंसेस की बात करते हैं एक्सपेंसेस अराइजिंग इन द नॉर्मल ऑफ एज द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स डेप्रिसिएशन डप्रीसी नॉन करंट एसेट्स ये तमाम ऐसे एक्सपेंसिस होते हैं जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आरइज होते हैं इनमें कुछ एक्सपेंसिस ऐसे होते हैं जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट कौन कौन से बनते हैं परचेजेज हैं कैरेज इनवर्ड है ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती हैं कुछ आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम लोग मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं ठीक है जी ये भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं और देन कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है जी ये है एक्सपेंसेस की नेचर बाय फंक्शन, ये वो क्या काम कर रहे हैं ठीक है जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस जिनको हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस कह सकते हैं सेलिंग uh, एक्सपेंसेस कह सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हेड ऑफिस को चलाने के लिए स्टाफ को प्रॉपर मैनेज करने के लिए होते हैं ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसि हो सकते हैं ठीक है एक्सपेंसिज रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ द एसेट्स इनसे आपके एसेट्स आउटफ्लो होते हैं आपको कैश देना पड़ता है या फॉर एग्जाम्पल अगर आप परचेजेस कर रहे होते हैं तो परचेजेस की नेचर भी एक एक्सपेंस टाइप की होती है जिससे आपको कैश देना पड़ता है तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट होता है ठीक है जी इस तरीके से आप लोग डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसि रिकॉर्ड करते हैं लॉसेस ऑन द अदर हैंड वो तमाम चीजें होती हैं जो कि आपको डिस्पोजल वगैरह ऑफ नॉन करेंट एसेट्स पे देना पड़ा है या कोई डैमेज हो गया है ड्यू टू फायर इसको हम एक्सपेंस नहीं इसको कहते हैं। ठीक है अच्छा अब एक्सपेंसिस हों या लॉसिस हों ये हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में काफी एंड पे जाके प्रजेंट कर रहे होते हैं लॉसेज जो होते हैं ठीक है नॉर्मली ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ uh, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें सबसे एंड वाली चीज होती है देखे ना ये जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसिज हैं ये हम यहाँ पे इकट्ठे ही लिख देते हैं तो सेलिंग एंड एडमिन के एंड पे जाके जब हम सारे सेलिंग एंड एडमिन लिख लेते हैं उस वक्त हम लोग लॉसेस को भी लिख देते हैं एंड पे अच्छा एक्सपेंसेस के अंदर एक क्लासिफिकेशन पाई जाती है विच इज व्हाट वी कॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ एक्सपेंसेस जो ऐसे आउटफ्लोज होते हैं जो खर्चे आप करते हैं जिससे कि आपके जो एसेट जो चीजें आपने एक्वायर की हैं वो बेहतर हो जाती हैं और परमानेंटली आप उसे इस्तेमाल करते हैं इस तरह के खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और इस तरह के खर्चे जिनसे आपका एसेट मेंटेन होता है या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह के जो आइटम्स होते हैं इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है ठीक है जी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो जो चीज़ें या जो आइटम्स आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में प्रजेंट करनी होती हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं और वो स्टेट चीजें जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट करनी होती है उनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं ठीक है तो अगर आपने ये देखना है कि कोई भी पेमेंट की है आपने कोई भी खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आप लोग ये देखेंगे कि कैपिटल या रेवेन्यू में से वो चीज प्रेजेंट कहां पे हो रही है अगर तो वो चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट हो रही है तो आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रेवेन्यू से स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहली जो आइटम आती है वो रेवेन्यू की आती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहाँ से याद रख सकते हैं आप जो चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी जो एक्सपेंस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा और जो चीज़ आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाएगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जो होती है वो वो कैपिटल से शुरू होती है सबसे पहले हम उसमें कैपिटल लिखते हैं फिर लाइबिलिटीज फिर एसेट तो जो चीज़ उस स्टेटमेंट में प्रेजेंट होगी वो चीज़ जो है वो रेवेन्यू सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी ठीक है नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और जो रेवेन्यू एक्सपेंसिस होते हैं इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है आप चीज़ें परचेस कर रहे हैं सेल कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं सेल कर रहे हैं आपका रेवेन्यू uh, जो है वो यूनिट बाय यूनिट इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन अगर आप एक ऐसा काम करें जिससे आपकी आपकी कोई सेविंग होना शुरू हो जाए आप अपनी गाड़ी परचेज कर लें खुद से सेल परचेज करने के लिए या आप ज्यादा चीजें इकट्ठी सेल परचेस करना शुरू कर दें आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो कैपिटल नेचर टाइप का एक्सपेंस होगा ये जो डिस्कशन है ये आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अदर एडिशन के अंदर भी मिलेगी जब हम लोगों ने ये बात की थी कि कोई ऐसा एडिशन सब्सिक्वेंट टू द दर्चेज ऑफ एसेट कोई ऐसा एडिशन करते हैं जिससे एसेट की यूजफुल लाइफ या उसकी प्रोडक्शन uh, कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट आ जाता है तो उससे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं कैपिटलाइज करने से मुराद क्या है हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं ठीक है जब किसी चीज को कैपिटलाइज किया जाता है जब आपको वर्ड मिले कैपिटलाइज का तो उसका यह मतलब होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस जो है वो आपके सामने है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हासिल किए गए हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए गए हैं ठीक है जी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चीजें परचेस कर रहे हैं तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए चीजें परचेस कर रहे हैं आप ऐसे आइटम जिनकी नेचर रिकरिंग है वो जब आप करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो होप आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझ आई होगी ठीक है जी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैयर करने के लिए डिफरेंट टाइप के कॉस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं एक होता है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज़ यूज के एसेट जब भी आप दिखाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कॉस्ट के ऊपर ही दिखाएंगे आज से पचास साल पहले अगर एसेट आपने बीस रुपए का परचेज किया था और उसकी यूजफुल लाइफ आपने पचास साल रखी थी तो वो आज भी आपके पास बीस रुपए का ही नज़र आ रहा होगा क्यों क्योंकि उसकी कॉस्ट बीस रुपए थी जो हमने उस वक्त परचेज की थी करंट कॉस्ट या फेयर वैल्यू किसी एसेट को उसकी करंट कॉस्ट के ऊपर प्रेजेंट करना या फेयर वैल्यू पर प्रेजेंट करना फेयर वैल्यू के बारे में भी हमने बात की थी कि फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ द एसेट कि अगर आप वो एसेट मार्केट में जाए बेचने के लिए देर इज ए मार्केट ऑफ डेट एसेट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की मार्केट में जाएं अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की मार्केट में जाएं अगर आपके पास कोई मशीनरी है तो मशीनरी की मार्केट में जाएं उस मार्केट में जाएं यू आर विलिंग टू सेल और वहां पे आपको विलिंग बायर भी मिल जाए ऐसे लोग जो इसको परचेज करने में विलिंग हैं और इन दोनों के दरम्यान में कोई दोस्ती नहीं है नो no रिलेशनशिप तो फिर ये लोग आपस में जिस प्राइस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन करेंगे कर लेंगे वो ट्रांज वो प्राइस जो होगी वो उसकी फेयर वैल्यू होगी तो किसी भी चीज को जब आप ओपन मार्केट में ले जाते हैं जहां पे बायर भी हैं सेलर भी हैं और आप वहां पे सेल करने जाते हैं और आपकी किसी से कोई दोस्ती नहीं है और आपका जो रेट सेट होता है दैट रेट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू अब फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स के ऊपर पूरा एक आईका ये जो अकाउंटिंग uh, स्टैंडर्ड है जिसमें हम नहीं घुस रहे आप आगे जाके पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी इंटीग्रिटीज हैं लेकिन दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज समथिंग कि अगर हम उस एसेट को एक ओपन मार्केट में जाके बेचें वहाँ पे एक विलिंग बायर है एक विलिंग सायर, विलिंग सायर बायर हैं बहुत सारे वहाँ पे विलिंग सेलर भी है वहां पे नॉर्मली ये चीज ट्रेड होती है और सेलर और बायर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर वो जिस प्राइस पे सेल करेंगे डैट प्राइस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू नेट बुक वैल्यू है डब्ल्यू आपको पता ही होती है जी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन रिलायल वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जिसके ऊपर वो एसेट अगर हम बेचें तो हमें उससे रियलाइज हो सकती है नेट रिलाईजल वैल्यू एनआर वी का इन्वेंट्रीज में पढ़ा था एसेट्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है वो कॉस्ट जिस कॉस्ट के ऊपर ये एसेट बेच के हमें पैसे कमा के दे जाएगा उसको हम नेट रिलाईजल वैल्यू कहते हैं नेट रिलाईजल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू में उस एसेट की डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डिसमेंटलिंग के सारे खर्चे भी शामिल होते हैं

कि हम लोग हिस्टोरिक कॉस्ट कन्वेंशन यूज कर रहे हैं हिस्टोरिक कॉस्ट कन्वेंशन यूज कर रहे हैं हिस्टोरिक कॉस्ट कन्वेंशन का ये मतलब है कि एसेट्स जो हैं वो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के ऊपर प्रेजेंट किए जाएंगे अनटिल अनलेस के आपको कुछ और चेंज नजर आता है प्रेजेंट वैल्यू ये नॉर्मली वो वैल्यू होती है जो uh, उसकी आज की डेट पर वैल्यू है हो सकता है कि एक फ्यूचर की लाइबिलिटी है या एक फ्यूचर का एसेट है आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आज उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करें दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स या इस तरह की चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है आप कैफ में जाकर पढ़ेंगे ठीक है जी तो इन द नॉर्मल एंटिटीज आर गोइंग कंसर्न हम हिस्टोरिक कॉस्ट कन्वेंशन यूज करते हैं फॉर एसेट्स और अगर आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर एसेट को प्रेजेंट करते हैं राइट right? नॉर्मली जो हमारा जो रेलिवेंट बात है वो ये है कि इन द नॉर्मल एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न तो फिर हम लोग उसको हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर प्रेजेंट करते हैं तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का सेशन अटेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज